44 जो डेफर कर दिए गए हैं टिल 31 मार्च 2020 तक। तो इसके बाद ये क्लॉजेस नए फिर से आएंगे या नहीं आएंगे वो सरकार की मर्जी है, क्योंकि अभी तो सरकार को भी यही लगा कि ये दो क्लॉजेस अभी डेफर कर देने चाहिए। इसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट का जो स्टैंड है वो ये था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एसएससी के बीच में, कुछ एसएससी को आप छूट दे रहे हैं किसी चीज में, कुछ को नहीं दे रहे हैं। ऑडिटर को एओ की चेयर पे बैठना पड़ेगा। जो नए क्लॉजेस पिछले साल आए थे हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था लास्ट ईयर, तो ऑडिटर को अब असेसिंग ऑफिसर की चेयर पे बैठना पड़ेगा एक तरीके से। कुछ जजमेंट हमें करने पड़ेंगे, कुछ हमें अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दिखानी पड़ेगी, तो उसके लिए जो कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस। इंस्टीट्यूट यही कहता है कि हम जो टैक्स ऑडिट कर रहे हैं वो हम सर्टिफाई कर रहे हैं, हम आगे डिस्कशन करेंगे इस बात पे भी। तो जो टैक्स ऑडिट का पर्पस था वो ये था कि हमें एओ की मदद करनी है, हमें एओ की मदद करनी है फॉर प्रॉपर असेसमेंट। हम कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उन फैक्ट्स को सर्टिफाई कर रहे हैं जो एसएससी हमें बना कर देगा। तो इम्प्लीमेंटेशन गाइड लास्ट ईयर रिलीज हो गई थी, आप सबको पता ही है। उसके बाद जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन की बात की थी आपसे अभी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमें रखना है अपनी फाइल में, साइंड 3CD आप एसएससी से लीजिए। ऑल्दो हम सब लोग डीएससी लगाकर साइन कर रहे हैं, बट आपकी वर्किंग पेपर फाइल में साइंड 3CD होना चाहिए। जजमेंट्स, अगर हम किसी जजमेंट पे रिलाई करते हैं, मान लीजिए हमारा कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है एसएससी के साथ, तो हम किसी जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं या एसएससी किसी जजमेंट पे रिलाई करके कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, तो हमें उस जजमेंट की कॉपी या साइटेशन अपने पास रखनी चाहिए, और रखनी ही नहीं चाहिए साथ के साथ हमें अपनी वर्किंग, हमें जो क्वालिफिकेशन बनानी है उसमें भी वो पूरे फैक्ट्स हमें देने चाहिए। उसमें हमें क्या देना है कि कौन सा जजमेंट था, उस जजमेंट में हम लोगों ने क्या डिस्कशन हुई और क्या फैक्ट्स हमारे केस के हैं। देन 44AD की बात करते हैं। 44AD जो लास्ट ईयर चेंज हुआ था उसमें यही था कि अगर हम लोग इस साल एक साल में, लास्ट ईयर 44AD हमने चूज किया, एक साल हम बाहर निकल गए, तो अगले 5 साल तक हम लोग 44AD के प्रोविजंस को यूज नहीं कर सकते, यह हम सबको पता ही है। तो 44AD से 5 साल निकलने का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हम 44AD में रिटर्न नहीं कर सकते, इसका मतलब ये रहेगा कि हमें 5 साल तक कंपल्सरिली टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, चाहे हमारी रिटर्न ओवर कुछ भी हो। तो ये एक खतरनाक प्रोविजन है। तो आप सब लोग अपना एक रजिस्टर मेंटेन करिएगा, या अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें वो डाटा मेंटेन हो रहा है कि हम किस साल 44AD से बाहर हो गए हैं। देन 3CA और 3CB की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि ये फॉर्म्स दो ऐसे हैं जो हम लोग देखते भी नहीं है जनरली, हम लोग 3CD से शुरू करते हैं सीधा अपनी टैक्स ऑडिट। तो 3CA में जो हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी रिपोर्टिंग है वो है, इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, द पर्टिकुलर्स गिवन इन 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ट्रू एंड करेक्ट, इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड करेक्ट का मतलब है कि जो भी लिखा है वो अक्षरश बिल्कुल सत्य है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज आप सर्टिफाई कर रहे हैं 3CD में वो आपने वेरीफाई की हो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, कल अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसका रिप्लाई दे सकें। तो 3CA में और 3CB में हम ये रिपोर्टिंग करते हैं कि 3CD के फैक्ट्स ट्रू एंड करेक्ट हैं। देन जैसे मैंने आपको बताया था कि 3CD तैयार करना ऑडिटी की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है, हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, बट ऑडिटी की ड्यूटी है 3CD को तैयार करना। ऑडिटी हमें 3CD बना करके दे और हम उसको वेरीफाई करें, उसको डॉक्यूमेंट्स के बेस पे उसको सर्टिफाई करें और ट्रू एंड करेक्ट नेचर को उसके ऊपर कमेंट्स करें। देन हमारे इंस्टीट्यूट का सजेशन, मैंने जैसे आपसे बात करी थी इंस्टीट्यूट का जो गाइडेंस नोट है टैक्स ऑडिट के ऊपर, उसमें उन्होंने पेज नंबर 56 पे एक फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट का, वो आप सब लोग अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कर लें। और उसमें उन्होंने ये लिखा है, जैसे हम कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें उन्होंने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या देख रहे हैं, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप उसके बेसिस पे, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट की सजेशन है ये, और उसके बेसिस पे हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट को फ्रेम करें 3CD को, 3CB को। तो और उसमें पैराग्राफ में साफ लिखा हुआ है दैट एसएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म नंबर 3CD, कि हम 3CD नहीं बना रहे हैं।
पेनल्टी की बात कर लेते हैं पहले। 271J के अंदर जो पेनल्टी है वो हमें सबको पता ही है कि 10,000 रुपये की पेनल्टी है। तो आप सब लोग 360 बनाते समय इस पेनल्टी को भी ध्यान में रखें, और ना केवल पेनल्टी ही नहीं ध्यान में रखें, हमारे इंस्टीट्यूट की अगर कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग आ जाएगी तो उस पर हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट भी लग सकता है। तो इसलिए वो ध्यान रखें आप कि कोई भी मिस रिपोर्टिंग ना हो आपसे गलती से। डिस्क्लेमर्स और क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग जनरली डिसक्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन देते हुए हम लोग डरते हैं, तो हमें क्वालिफिकेशन से घबराना नहीं है। अगर एसएससी ने कोई काम गलत किया है तो हमें उसको एज ए डिस्क्लेमर या क्वालिफिकेशन जरूर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ क्वालिफिकेशंस आपको देनी चाहिए। पहला फॉर्म 360 एसएससी ने प्रिपेयर किया, जैसे मैंने आपको बताया पेज नंबर 56 के अकॉर्डिंगली। देन पेमेंट्स रिसीट्स बाय अकाउंट पे चेक्स ड्राफ्ट और ईसीएस, जो कि हमें पता नहीं चल सकता कि वो अकाउंट पे चेक था या नहीं था, तो इसकी एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। जीएसटी रिकंसिलिएशन की, अगर आपका जीएसटी रिकंसाइल नहीं हो रहा है या आपका मेजर डिफरेंस है बिटवीन जीएसटी रिटर्न्स एंड योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या आजकल एक नई चीज आ रही है, अगर आप देखेंगे कि 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई, आपका कोई क्लाइंट है जिसने बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं जिसकी 180 डेज में वो पेमेंट नहीं करता है, अब एज पर लॉ वो इनपुट रिवर्स होना चाहिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। बट एसएससी आपको कहता है जी मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कर सकता ये, तो आपको ये क्वालिफिकेशन देनी चाहिए कि ये बुक्स हमारे हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती है। स्टॉक रिकॉर्ड की बात करते हैं हम लोग। स्टॉक रिकॉर्ड जनरली एसएससी पहले नहीं बनाते थे, अब जीएसटी आने से थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गया है प्रोसेस। तो स्टॉक रिकॉर्ड अगर आपका कोई एसएससी आपको प्रॉपरली नहीं देता है तो आपको उसकी क्वालिफिकेशन देनी चाहिए। देन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग हम सब लोग डेविएट करते हैं, जिसमें हम एक्सक्लूसिव मेथड पे चलते हैं। तो हमें एज पर इनकम टैक्स एक्ट 145 इंक्लूसिव मेथड पे काम करना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं जनरली, तो उसकी एक क्वालिफिकेशन आपकी जरूर होनी चाहिए। देन टीडीएस, अगर आपने ऑन द डेट ऑफ टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराया है, आप एक फैक्ट लिख सकते हैं ये, क्योंकि आप उसको ना तो ये लिख सकते हैं कि वो जमा हो गया है, ना आप एसएससी आपका मानेगा कि वो एसएससी कहेगा कि मैं 31 तारीख तक जमा करा दूंगा। तो इसलिए आप ये फैक्ट अपना एज ए क्वालिफिकेशन या एज ए डिस्क्लेमर अपनी रिपोर्ट में दे दीजिए। देन डिसअलाउंसेस अंडर सेक्शन 40A(3) या 3A या पर्संस अंडर सेक्शन 40A(2B), क्योंकि ये सब डिटेल आपको एसएससी ही देगा। 269SS 34B, अगर टीडीएस की रिटर्न से आपकी डेविएशन ज्यादा है तो आप एक डिस्क्लेमर दे दीजिए। इसके अलावा कोई भी फैक्ट्स और सर्कमस्टांस जो आपको लगता है कि आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप उसको जरूर दीजिएगा। देन क्लॉज नंबर 1-8 आर जनरल क्लॉजेस। इसमें सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपको एड्रेस देना है वो आपको बिजनेस का एड्रेस देना है, पहली बात। जिसमें कि अगर आपको आपके एसएससी के यहाँ कल को कोई सर्वे होता है या आपके यहाँ कोई प्रोसीडिंग्स होती है तो उसी एड्रेस पे होगी। अगर आपने इसमें घर का एड्रेस दिया तो वो घर का एड्रेस भी उसमें एज ए बिजनेस एड्रेस इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए आप एड्रेस देते समय ये ध्यान रखें कि आप सिर्फ बिजनेस का एड्रेस दें जहाँ पर उसका बिजनेस सिचुएटेड है। दूसरी ध्यान आपको रखनी है बात 1-8 पॉइंट्स के अंदर में नेम ऑफ द एसएससी की। नेम ऑफ द एसएससी आप ध्यान रखिएगा, जैसे मेरा एक एसएससी है वो उसका नाम है सुरेश कुमार। अब वो सुरेश कुमार ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया अपने नाम से, तो हम अगर एसएससी का नाम सुरेश कुमार लिखते हैं तो ये डीम कर लिया जाएगा कि मैंने सुरेश कुमार की सारी पर्सनल बुक्स, सारी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स वेरीफाई कर दी हैं। तो उसके लिए आप उससे कह सकते हो कि भाई आप अपने बिजनेस का नाम सुरेश कुमार एंड कंपनी रख लीजिए। तो सुरेश कुमार एंड कंपनी जैसे आप लिखते हैं तो सिर्फ ये है कि आपने सुरेश कुमार एंड कंपनी की बुक्स लिखी है। देन क्लॉज नंबर 11C की अगर हम बात करते हैं तो अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको जीएसटी रिटर्न्स का मेंशन करना होगा, ट्रांसवन फॉर्म अगर है तो आपका वो मेंशन करना होगा। देन क्लॉज नंबर 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया है 1/4/2017 से सेक्शन 145 में चेंज आ गया, तो मेथड ऑफ फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं। वैल्यूएशन ऑफ परचेज सेल इन्वेंट्री और सर्विसेज टू इंक्लूड एनी टैक्स ड्यूटी और अदर सम होगा। तो क्योंकि हम लोग सब एक्सक्लूसिव मेथड पे चल रहे हैं और डिपार्टमेंट ये कहता है कि 145 के अकॉर्डिंगली हमें इंक्लूसिव मेथड पे जाना है, तो ये आपकी एक क्लॉज 13 में आपको क्वालिफिकेशन टाइप देनी होगी कि हम लोग एक्सक्लूसिव मेथड पे चल रहे हैं, ऑल्दो इसका इफेक्ट निल है। क्लॉज नंबर 18 के अंदर जहां फिक्स्ड एसेट की डिटेल डालते हैं हम लोग, तो फिक्स्ड एसेट
की डिटेल में आपकी जो जीएसटी की एडजस्टमेंट है वो आपको नहीं करनी है। अगर आपने जीएसटी को इंक्लूड कर दिया है फिक्स्ड एसेट के अंदर तब आपको अलग से दिखाना है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एसेट अगर आपने 10,000 से ज़्यादा का परचेस किया है तो आपको उसका डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो आपको वो एसेट एक अलग से क्लॉज अलग से एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा और उस ब्लॉक के आगे आपको नील डेप्रिसिएशन डाल करके वो डेप्रिसिएशन आपको लेना है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 10,000 से ऊपर जनरली कैश पेमेंट हो जाती है तो ये एक दिक्कत है। देन क्लॉज 27A सैंडवेट की डिटेल्स जो पहले हुआ करती थी जहां हम एक्साइज की सैंडवेट की डिटेल लिखा करते थे तो अब जीएसटी की डिटेल्स आपको उसमें देनी है कि आपने जीएसटी का कितना ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग कितना इनपुट लिया ड्यूरिंग द ईयर और कितना आउटपुट था और कितना बैलेंस है जीएसटी इनपुट का। देन जीएसटी रिफंड अगर आपको कोई मिला हो क्लॉज 41 में जाएगा। ये हमारी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो क्वालिफिकेशंस आप सबको पता ही हैं, पुरानी चल रही हैं इसमें। तो अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट करती है तो प्लीज इसे देने से हिचकिचाइएगा। एक और दिक्कत आती है इस बार कि आपके जो नेचर ऑफ बिजनेस है, अब वो नेचर ऑफ बिजनेस इस तरीके से बनाए हैं डिपार्टमेंट ने कि जो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस एक्चुअल है वो इसमें है ही नहीं। सिर्फ होलसेल एंड रिटेल ट्रेड में अगर आप जाते हैं तो आपके जो उन्होंने आइटम्स दिए हुए हैं वो जनरली आइटम्स नहीं होते हैं, तो उसमें आपको अदर्स में लिखना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये प्रॉब्लम थोड़ी सी है। देन क्लॉज नंबर हम बात करते हैं, अगर दिस इज क्लॉज नंबर 4 की बात करते हैं, अगर जीएसटी के लिए जीएसटी का नंबर आपको देना है सिंपल, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में प्रीवियस नंबर देने थे वो तो पता ही था क्या। जीएसटी नंबर ऑफ ऑल ब्रांचेस टू बी रिपोर्टेड, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं वो आपको सारी देनी है, 3CD के साथ इसको टैली करना है। जो 3CB में आप नंबर ऑफ ब्रांचेस देंगे वहां पर जहां आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस देनी है उससे आपको इसको टैली करना है। और अगर आपका सेपरेट वर्टिकल्स इन सिंगल स्टेट हैं तो आपको वो भी देने हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जहां पर आपको अगर आपका कोई कैजुअल रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कैजुअल रजिस्ट्रेशन के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर है कैजुअल रजिस्ट्रेशन का आपने लिया, अगर एसएससी ने उसी साल में लिया और उसी साल में सरेंडर भी कर दिया तब भी आपको नंबर देना होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कैजुअल रजिस्ट्रेशन के केस में। देन क्लॉज नंबर 19, जहां पर हमें नए एसेट्स के ऊपर बैकवर्ड एसेट्स स्टेट्स में जो हमने नए एसेट खरीदे उसकी डिडक्शन 15% मिलती थी, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई 10,000 से ऊपर का अगर आपका कोई एसेट खरीदा गया हो तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये 10,000 वाली जो लिमिट है ये आपको ध्यान रखनी है। क्लॉज 24, डीम्ड इनकम इफ द एसेट्स परचेस्ड वर सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। तो क्लॉज नंबर 24 जो हमें डिडक्शन अलाउ करता है, अमाउंट्स डीम्ड टू बी प्रॉफिट्स एंड गेन्स अंडर सेक्शन 32AC और AD और 33AB और ABA और AC, जिसके केस में आपको ये ध्यान रखना है कि डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से 5 साल के पीरियड के अंदर अगर आपने कोई एसेट्स सोल्ड कर दिया तो वो आपकी इनकम बन जाएगी। 43B में एक चेंज आया था, पिछले साल ही आ गया था, इंडियन रेलवेज को अगर आपने कोई पेमेंट करनी है और अगर आपने पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं करी है तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये इंडियन रेलवेज के केस में आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी ने कोई बुक स्टॉल ले रखा है या किसी ने कोई इंडियन रेलवेज को पेमेंट करनी है, इसमें सिर्फ इंडियन रेलवेज को कर कोई फ्रेट देना है वो इसमें कवर नहीं होगा। अगर आपने इंडियन रेलवेज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अदरवाइज देन फ्रेट, तो आपको उसकी पेमेंट डिसअलाउ करनी होगी। 29A की बात करते हैं सर। 29A जो नया क्लॉज लास्ट ईयर आया था उसमें ये था, whether any amount is to be included as income chargeable under the head income from other sources as per section 56(2)(9). If yes, तो 56(2)(9) को हमें comply करना है यहाँ पर income from other sources के अंदर। तो हमें दो चीजें देनी है इसमें, हमसे पूछा गया nature of income और amount, दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। जब ये clause आया था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा कि क्या हमसे 44AB में ये इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, क्योंकि 44AB में हमसे जो पूछा जा रहा है वो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की रिसीट्स के बारे में क्वेश्चन किया जा रहे हैं। हम बुक्स को सर्टिफाई कर रहे हैं,
अब बुक्स को सर्टिफाई करते समय क्या हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को देखेंगे? तो यहाँ पर मेरा वो जो आपको मैंने सजेशन दिया था कि आप कंपनी का नाम लिखें, तो वो यहाँ पर बहुत काम आता है। अगर आपने पर्सन का नाम लिखा तो पर्सन के नाम से आपको उसकी इंडिविजुअल सारी चीजें देखनी पड़ जाएंगी और आप कहीं ना कहीं ट्रैप आ जाएंगे। तो 29A की ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई जहां पर हमसे मांगा गया है कि हमें क्या क्या देना है। तो 56(9) को एक बार पढ़ लेते हैं। 56(2)(9) क्या कहता है? एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। तो क्या कहता है? एनी सम ऑफ मनी जो आपने एज ए एडवांस या किसी भी कारण से आपने कोई नेगोशिएशन करते समय ले लिया फॉर ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, तो वो आपकी इनकम बन जाएगी इफ सच सम इज फॉरफिटेड एंड द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। ये दो कंडीशन साथ साथ हैं, या कि आपने पहली चीज आपने वो सम फॉरफिट कर लिया हो और दूसरा जो नेगोशिएशन हुई उसके बाद उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ हो, तो इसमें से एक कंडीशन भी पूरी होगी तो ये 56(2)(9) नहीं लगेगा। दोनों कंडीशन साथ साथ पूरी होनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है आपको सिर्फ कैपिटल एसेट की बात की जा रही है, जो चीज कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है वो आपको कंसिडर नहीं करनी है। सपोज एग्रीकल्चर लैंड है जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है तो वो इसमें कवर नहीं होगी। और सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन हमें रिपोर्ट करनी है, जिस बिजनेस का हम ऑडिट कर रहे हैं उसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन हमें रिपोर्ट करनी है जो बुक्स में रिकॉर्डेड है, अदरवाइज देन बुक्स को हमें नहीं देना। अगर आप पर्सनल बुक्स भी ऑडिट कर रहे हैं तो आप सब ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करेंगे। जैसे एडवांस रिसीव फॉर सेल ऑफ कार का एग्जाम्पल था एक, कि अगर आपने कार के लिए पैसा लिया, एडवांस लिया, और कार का पैसा लेने के बाद आपकी डील नहीं हुई, आपने वो पैसा फॉरफिट कर लिया और कार भी आपकी के पास है, तो वो आपका इनकम बन जाएगी 56(2)(9) के अंदर। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने भी ये कहा सरकार को कि क्या अकाउंट अमाउंट जो फॉरफिट हुआ वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे ऑर्डिनरी ऑडिटिंग टेक्निक से? हमें पता नहीं चल सकता कि हम कैसे देखेंगे कि वो अमाउंट हमने फॉरफिट कर लिया असेसी ने, और असेसी ने उसके बदले में कुछ दिया या नहीं दिया। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि या तो आप डिस्क्लेमर दे दीजिए, या आप अपनी क्वालिफिकेशन दीजिए, या आपको असेसी से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है एक तरीके से, जो कि मैंने आपसे कहा था कि हमें असेसिंग ऑफिसर की चेयर पे बैठना पड़ेगा। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट का ही एक एग्जांपल था, जैसे एडवांस रिसीव फॉर सेल ऑफ लैंड है। अब एडवांस रिसीव फॉर सेल ऑफ लैंड के अंदर क्या हुआ कि डिफॉल्ट, दूसरी पार्टी ने डिफॉल्ट किया, राइट टू फॉरफीचर अराइज हो गया एसएससी के पास, हम दोनों की डील थी, सामने वाले ने जो है डिफॉल्ट कर दिया, मेरे पास राइट टू फॉरफीचर अराइज हो गया, मैंने फॉरफिट भी कर लिया पर मैंने कोई बुक्स में एंट्री पास नहीं की। जब मैंने बुक्स में एंट्री पास नहीं करी तो मेरे ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि मेरा राइट मैंने फॉरफिट कर लिया अमाउंट? वो अमाउंट एज इट इज आज भी मेरी बुक्स में खड़ा रहेगा। तो इसीलिए ये एक राइट ऑफ, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टाइप है। अगर आपको लगता है ऑडिट करते समय कोई एंट्री बहुत सालों से खड़ी है तो आप अपने एसएससी से पूछ सकते हैं कि ये क्यों खड़ी है। देन क्लॉज नंबर 29B जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया गया, वेदर एनी अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड एज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर सेक्शन 56(2)(10). अगर 56(2)(10) है तो आपको दो चीजें वही सेम, नेचर ऑफ इनकम और अमाउंट देना है। अब 56(2)(10) क्या कहता है? 56(2)(10) कहता है कि अगर आपने कोई मनी विदाउट एनी कंसिडरेशन आपके पास आई तो आपको जो भी अमाउंट होगा अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो उस पर आपको टैक्स देना होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगी 56(2)(10) के अंदर। तो मनी के लिए, अब मनी की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई एडवांस आया, उस एडवांस में मेरे पास वो पैसा आया है, अब ऑफिसर के पास मेरा केस स्क्रूटनी में लगा, ऑफिसर ये बोलेगा कि ये पैसा आपके पास विदाउट कंसिडरेशन आया है, एडवांस तो आया है बट क्योंकि ये पैसा आपके पास विदाउट कंसिडरेशन आया है मैं 56(2)(10) लगा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी कोई पैसा आपकी बुक्स की, क्लाइंट की बुक्स में आ रहा है, आप क्लाइंट को सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैसा विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, वरना ये 56(2)(10) की डेफिनेशन में आ जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके क्लाइंट के पास आई है विदाउट कंसिडरेशन तो उसके केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की लग जाएगी,
और अगर विद कंसिडरेशन आई है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू माइनस परचेस प्राइस पे आपको 56,210 लगेगा, वो आपको रिपोर्ट करना होगा और उस पर एसएससी को टैक्स देना होगा। अदर स्पेसिफाइड एसेट्स के केस में अगर आपका कोई आइटम विदाउट एनी कंसिडरेशन आया है तो फेयर मार्केट वैल्यू उस एसेट की एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू पर टैक्स देना होगा, और अगर विद कंसिडरेशन आया है तो फेयर मार्केट वैल्यू में से आप उसका परचेस प्राइस घटा दीजिए, बाकी पे आपको 56,210 में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो अब ये क्वेश्चन फिर वही आता है कि मैं ये चीजें एज ए ऑडिटर कैसे ढूंढूंगा, तो क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि डबल टैक्सेशन हो रहा है, 56,210 के अंदर डबल टैक्सेशन हो रहा है। आपने जिस चीज पर टैक्स दिया सामने वाले को भी उस चीज पर टैक्स लग रहा है, तो ये कंट्रोवर्शियल है और इसमें कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है। और कंट्रोवर्शियल केसेस हैं 56,210 के, तो जब भी आप ऑडिट करें और ध्यान से ऑडिट करें जहां पर 56,210 में आपका कोई एसएससी ट्रैप में ना आ जाए, और अगर है तो आप क्लियर रिपोर्टिंग उसकी करें बिना किसी छुपाव के। जैसे वैल्यू ऑफ अनकोटेड शेयर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अनकोटेड शेयर्स मेरे पास एक अनकोटेड शेयर्स थे जो मैंने 8,00,000 रुपए के परचेस किए हुए थे, और उस 8,00,000 के शेयर्स को मैंने मेरी जो आज की वैल्यू है वो 1,00,00,000 रुपए की है, मैंने उसे 20,00,000 रुपए में सेल आउट किया, तो मेरे ऊपर 56,50 लगेगा और जो सामने वाला है उसके ऊपर 56,210 लग जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो दोनों जगह टैक्सेबल हो जाएगा और डबल टैक्सेशन होगा इस केस में, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। देन 31BA के अंदर 269ST की बात करते हैं हम लोग। 269ST जो हमें मना करता है कि हम 2,00,000 से ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तो 2,00,000 से ऊपर ट्रांजेक्शन के लिए इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे और इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सिंगल ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन फ्रॉम ए पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये आप लोग अदरवाइज देन बाय चेक बैंक ड्राफ्ट और ECS नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें आप क्या ध्यान रखना है कि 269ST के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि 269ST में 2,00,000 की लिमिट देखने के लिए आपको पूरी बुक्स में से 2,00,000 के लिए पूरे साल का देखना पड़ेगा उस आदमी का, उसका सिंगल बिल तो नहीं था। कई बार क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस पड़ा हो किसी का क्रेडिटर का 5,00,000 रुपए का, लास्ट ईयर उसका बिल 2,00,000 से ज्यादा हो और वो इस साल उन्होंने पेमेंट कर दी हो 2,00,000 रुपए तक, तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कहीं भी आपको ऐसी स्मेल आती है कि वो एसएससी ने 2,00,000 से ज्यादा पेमेंट किया इसमें की हुई है, तो आपको पिछले साल का भी उसका अकाउंट देख लेना चाहिए। देन क्लॉज नंबर BA और BC जहां पर आपको सिंपल नेम एड्रेस पैन नंबर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट ऑफ रिसीट और पेमेंट डेट ऑफ रिसीट पेमेंट देनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है एज सच। अब जो हमारी एक्सेप्शन में गवर्नमेंट कंपनी को 269ST की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, बैंकिंग कंपनी को नहीं करनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कोऑपरेटिव बैंक, इसमें ध्यान रखिएगा कोऑपरेटिव बैंक लिखा हुआ है, अगर आपकी कोई थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी है तो वो इसमें कवर्ड नहीं होती है, या जो ट्रांजेक्शन हमारी 269SS में कवर्ड होती है, या नोटिफिकेशन नंबर 2065 डेटेड 3 जुलाई 2017, तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो हमें एग्जेम्पशंस दी गई हैं जिन लोगों को, वो लोगों को ये एक्सेप्शंस हैं, उनको ये रिपोर्टिंग नहीं करनी है। अब 269ST की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 269ST के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। स्पेशल फीचर्स क्या है कि पहली चीज तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट के बीच में। आपके पास पैसा 2,00,000 से ऊपर आपने रिसीव किया हो एज ए कैपिटल रिसीट एज ए रेवेन्यू रिसीट, तो ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। ये नहीं कहता है कि सिर्फ रेवेन्यू रिसीट होगी तभी आपको टैक्स लगेगा। आपने किसी भी चीज के लिए 2,00,000 से ऊपर ड्यूरिंग द ईयर पैसा ले लिया, इट मीन्स यू आर लाइबल टू पे टैक्स, यू आर लाइबल फॉर अ पेनल्टी, यू आर लाइबल टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 269ST। तो इसलिए 269ST के अंदर आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो आपको ये ध्यान में रख के करनी है कि कहीं भी आपने 2,00,000 से ऊपर पेमेंट आपके एसएससी ने रिसीव की है तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम। अब टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्ट इनकम, हो सकता है आपके एसएससी के पास 2,00,000 से ऊपर एग्जेम्प्ट इनकम आई हो कोई कैश में, तो भी आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि
यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ट्रांजेक्शन फॉर बिजनेस पर्पस और पर्सनल पर्पस। अगर उसकी कैपिटल अकाउंट में कोई पर्सनल पर्पस से 2 लाख से ऊपर कैश की एडिशन है तो आप उससे पूछेंगे कि ये किस लिए आई है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन विद क्लोज रिलेटिव्स हो या एग्रीकल्चरलिस्ट है तो उसको भी कोई एग्जेम्पशन 269ST में नहीं दी हुई है। 269ST देखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं से कहीं तक कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी गई है। आप चाहे एग्रीकल्चरलिस्ट हो, वो अपने खेती से इनकम आ रही है उसकी 2 लाख से ऊपर, या पहले एक क्लॉज हुआ करता था जहां पर आपको वो अगर हम कहें तो एक्सेप्शन दी होती थी कि जहां पर कोई भी आपके पास तरीका नहीं बचता था देने का, वहां आप दे सकते थे, पर यहां कोई ऐसी एक्सेप्शन भी नहीं है। Then, अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लैक्स और मोर, 269ST जो बात करता है अमाउंट ऑफ 2 लैक्स और मोर की बात करता है। फ्रेंड्स, 2 लाख रुपए भी इसमें कवर्ड है। आप ऐसा ना हो कि 2 लाख 1 रुपए से देखें, 2 लाख रुपए भी इसमें कवर्ड होंगे ट्रांजेक्शन्स अगर आपने बुक एंट्री के थ्रू किए हैं। अब बुक एंट्री के थ्रू जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और तो बहुत सारे जजमेंट्स पहले आए थे 269SS और TK केस में कि बुक एंट्री के थ्रू जो जनरल एंट्रीज के थ्रू ट्रांजेक्शन होती हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, उन पर पेनल्टी नहीं लगती है। बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे आए हुए हैं, परंतु अगर आपको कोई एंट्री ऐसी लगती है बुक एंट्री के थ्रू भी कि जहां पर आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो रिपोर्टिंग बेझिझक करिएगा। जैसे किसी ने डेटर और क्रेडिटर की एडजस्टमेंट कर दी आपस में, तो वहां पर अगर आपको ऐसी स्मेल आती है कि आपको रिपोर्ट करनी है तो रिपोर्ट कर दीजिए। देन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या ड्राइंग्स बाय पार्टनर है, पार्टनर्स ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की या पार्टनर्स ने ड्राइंग्स निकाली है अपनी, तो 2 लाख से ऊपर कैश में निकाली है, सिंगल डे में 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि कैपिटल कहाँ से आई है आपकी, क्योंकि बुक्स में ये पैसा आ रहा है, आपकी बुक्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है। NRI also covered, non-resident Indians, 269ST उनको भी छूट नहीं देता है। अगर उन्होंने 2 लाख से ऊपर पैसा आया है तो आपको इसमें रिपोर्टिंग करनी होगी। देन कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, अब आजकल ये बहुत चल रहा है कि हमारा एक ऐसे CA मान लीजिए कि वो क्या करता है कि वो बिजनेस करता है, डोर टू डोर जाता है, बाहर हर स्टेट में जाता है, सामान की बुकिंग लेता है। अब वहाँ पर उसके क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि जी ठीक है, हम आपके बैंक में पैसा जमा करा देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कैश तो बैंक में जमा हो रहा है, तो उस केस में आपको पेनल्टी तो नहीं लगेगी, बट अगर आपकी 2 लाख से ऊपर डिपॉजिट हो रही है सेम पार्टी से, तो आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। फोर्स रिकवरी होती है जहाँ पर आपके क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी लोन की, और लोन वाले पैसा लेने के लिए आ जाते हैं आपके ऑफिस में क्लाइंट के, और वो पैसे ले जाते हैं कैश में, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हम कैश के सिवा कुछ नहीं लेंगे, तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये 2 लाख से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं 269ST के अंदर, ये आपको ध्यान से देख करके इसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर हम एक बार 269ST वाला क्लॉज देखें, क्लॉज नंबर 31 जो कहता है कि 31 BA की बात करते हैं, particulars of each receipt in an amount exceeding the limit specified in section 269ST in aggregate from a person in a day or in respect of a single transaction or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year where such receipt is otherwise than by a check or bank draft or use of electronic clearance system through a bank account। तो इसमें आपको 4 चीजें देनी है, नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर अगर आपका अवेलेबल है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ रिसीट और डेट ऑफ रिसीट। अब इसके अंदर CD और E में कुछ क्लेरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स लास्ट ईयर आए थे, हम लोगों ने डिस्कशन कर लिए थे, तो उसमें रीपेड को उन्होंने रीपेड वर्ड रिप्लेस कर दिया था एक्सेप्टेड के साथ, जो एक गलती थी वो उन्होंने ठीक कर दिया था। देन क्लॉज नंबर 34 की बात करते हैं हम लोग। 34 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है
34A की बात कर लेते हैं पहले। 34A में हमें क्वेश्चन किया गया है whether the SSC is required to deduct or collect tax as per the provisions of chapter 17B or 17BB, if yes please furnish। इसमें आपसे क्या मांगा जाता है, TDS number, section, nature of payment, total amount of payment or receipt, total amount on which tax was deducted। तो ये आपसे एक टेबल मांगी गई है। अब इस टेबल में आपको क्या करना है कि आपको बियॉन्ड TDS रिटर्न जाना है। डाउट? तो इसमें आपको बियॉन्ड TDS रिटर्न जाना है। अब बियॉन्ड TDS रिटर्न के लिए आपको क्या करना है कि TDS रिटर्न ही आपको बेस नहीं मानना है, आपको अपनी बुक्स को बेस मानना है और उन बुक्स को अपनी TDS की रिटर्न के साथ मैच करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि TDS की रिटर्न SSC की लेंगे और उसको मैच करना है आपको। बेसिकली TDS की रिटर्न में जो डिटेल उसने फिल करी है और जो आपकी बुक्स की रिटर्न डिटेल है, तो इसमें TCS की भी डिटेल आपको देनी है और SSC ने शॉर्ट पेमेंट की या SSC ने लोअर डिडक्शन की है, वो सब आपको इसमें डिटेल 34A के अंदर देनी होगी। देन 34B की बात करें अगर हम, तो 34B में पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करी है तो आपको डिटेल देनी होती थी और एक सर्टिफिकेट देना होता था कि क्या सारी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट की गई हैं या नहीं की गई हैं। अब लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने चेंज किया और उन्होंने ये बोला है कि अब क्या क्वेश्चन हो गया है, हम अगर देखें तो whether the SSC is required to furnish the statement of TCS or TDS, if yes please furnish the details। तो अगर आप को TDS की रिटर्न भरने की कंपल्शन थी तो अब आपको ये डिटेल देनी होगी कि आपने चाहे TDS की रिटर्न टाइम पे फाइल की या नहीं की, आपको दोनों केसेस में ये डिटेल देनी ही होगी। पहले होता था सिर्फ कि अगर आपने TDS की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की थी तभी ये डिटेल देनी होती थी क्लॉज नंबर 34B में, परंतु अब आपको डिटेल्स देनी है चाहे आपने रिटर्न टाइम पे भी फाइल की होगी तब भी आपको ये डिटेल देनी है। अब डिटेल क्या देनी है, 10 नंबर, टाइप ऑफ फॉर्म, ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग, डेट ऑफ फर्निशिंग। यहाँ तक तो ठीक था कि चार डिटेल देनी थी, TDS नंबर दे देंगे हम, टाइप ऑफ फॉर्म भी दे देंगे, ड्यू डेट भी दे देंगे और डेट ऑफ फर्निशिंग भी दे देंगे। पर अब एक सर्टिफिकेट उन्होंने इसके साथ लगा दिया। अब वो सर्टिफिकेट क्या कहता है, वेदर द स्टेटमेंट ऑफ वेदर The statement of tax deducted or collected contains information about all details or transactions which are required to be reported. If not, please furnish list of all details or transactions which are not reported. तो अब यहाँ हमारी जो liability है वो बढ़ गई। अब SSC ने हमें report किया, SSC ने reporting के बाद हमें verify करना है, तो हमें वेरीफाई बुक से करना होगा। अगेन विद रिस्पेक्ट टू बुक्स हमें ये देखना पड़ेगा, और क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑल्दो SSC का सर्टिफिकेट है बट हमें उसको वेरीफाई करना है, हमें उसको ट्रू एंड करेक्ट बताना है। तो आपको सारी बुक्स की ट्रांजेक्शन देखनी पड़ेंगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो इस TDS की रिटर्न में या TCS की रिटर्न में नहीं थी और जो रिपोर्टिंग करने वाली थी। अब इसमें जो मेरे पास एग्जाम्पल्स आए उसमें 15G, 15H और 20C, 27C अगर हमने फिल किया है। 15G जनरली लोग फाइल कर देते हैं, फाइल करने के बाद उसको रिटर्न्स में नहीं लेते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जहां पर SSC ने 15G फाइल किया हुआ है और उसको TDS की रिटर्न में नहीं लिया, तो आपको यहां पर एक ये इंस्टेंस देने होंगे। या ट्रांसपोर्टर्स जिन्होंने डिक्लेरेशन दे दी, डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारे पास 10 से कम ट्रक हैं और हमारी इनकम इतने से कम है, तो वो डिक्लेरेशन देते हैं, तो उस डिक्लेरेशन वाली जो ट्रांजेक्शन है उसको आपको TDS की रिटर्न में इंक्लूड करना होता है। तो अगर आपके SSC ने वो नहीं की हुई है तो वो आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। या आपके SSC ने टैक्स नहीं काटा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट रिसीव फ्रॉम द AO, या CA ने सर्टिफिकेट दे दिया कि जी मेरे क्लाइंट ने, दूसरे क्लाइंट ने इस पर टैक्स दे दिया है, तो आपको उस केसेस में ये सारे केसेस आपके सर्टिफिकेट में आने चाहिए। अगर SSC ने रिटर्न में दे दिए वेल एंड गुड,
अगर नहीं दिए तो आपको ये सर्टिफाई करना होगा कि ये ट्रांजेक्शन हमारी 34B में रिटर्न के अंतर नहीं गई है। ये हम लोग अभी वो क्लॉजेस डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्लॉजेस भी डिस्कशन करते हैं। देन फॉरेन बैंक्स, अब फॉरेन बैंक्स भी इस केसेस में कवर्ड होंगे, फॉरेन बैंक्स की भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। देन रॉन्ग पैन मेंशन्ड इन टीडीएस रिटर्न, अगर आपकी टीडीएस रिटर्न में रॉन्ग पैन मेंशन हो गया तो आपको रिपोर्ट यहां पर देनी होगी क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग उसमें नहीं गई है। टैक्स आपने जमा कर दिया, रिटर्न फाइल नहीं करी, असेसी ने टैक्स तो जमा कर दिया, रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग आएगी क्योंकि ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग के बाद डेट ऑफ फर्निशिंग में आपकी ब्लैंक हो जाएगी। या आपके असेसी ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लिया हुआ है तो 34B के अंदर अगर उसका केस एज पर टीडीएस लाइबिलिटी आती है तो आपको यहां पर रिपोर्टिंग 34B में करनी होगी। देन 36A की बात करते हैं, 36A के अंदर आपको जो रिपोर्टिंग करनी थी, whether the assessee has received any amount in the nature of dividend as referred to in sub clause E of clause 22 of section 2, yes or no. Then friends, agar yes hai to aapko amount received or date of receipt, ye do item aapko detail deni thi. Ab 222E mein, jaisa aap sab logo ko pata hi hai, 222E ek sabse zyada department ke liye bahut favorable clause hai. 222E सबसे ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, उसमें एडिशन सबसे ज़्यादा कर लेते हैं वो लोग, तो इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये देखना होगा कि 222E में कौन कौन लोग कवर्ड होते हैं और क्या उनसे वो कोई पैसा आया, तो ये एक प्रॉब्लम का काम था। हाउ टू फाइंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिस चीज़ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आज तक सुप्रीम कोर्ट तक भी वो मैटर सॉल्व नहीं हो पाया, हम लोग कैसे करें, क्या वो हम टैक्स ऑडिटर्स का काम है कि हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को डिसाइड करें कि कितने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उस एसएससी के पास है। और इस साल ये एक चेंज होना चाहिए था बट गवर्नमेंट शायद भूल गई है 222E के केस में, क्योंकि 222E में एक चेंज हो गया इस साल 1 अप्रैल 2019 से, इवन द पर्सन इन रिसीट ऑफ अमाउंट, अभी तो हमसे पूछा जा रहा है कि किसने दिया, जिसको मिला वो भी नहीं बता सकता इस इंफॉर्मेशन को, तो एओ की ड्यूटी हमारे ऊपर धीरे धीरे कास्ट कर दी गई है। अब आईसीएआई ने हमारे सजेस्ट किया था कि आप ये इन्फॉर्मेशन पेयर से ले लीजिए ना कि पेई से ले लीजिए, क्योंकि ये इसमें पूछा जा रहा है जिसने रिसीव किया है, वो कहते हैं जिसने दिया उससे पूछ लीजिए आप, पर उन्होंने हम इंस्टीट्यूट को इसकी बात मानी नहीं इंस्टीट्यूट की। और जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920 इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनीज, तो अब कंपनीज के हैंड में टैक्सेबल हो गया है डीम डिविडेंड, तो डीम डिविडेंड के केस में ये क्लॉज चेंज होना चाहिए था बट नहीं हुआ है, तो अगर आपके क्लाइंट के हाथ में डीम डिविडेंड आ रहा है तो आप यहाँ पर या तो अपनी क्वालिफिकेशन दे दीजिए क्लॉज नंबर 3 या 5 में, 3CB में या 3CA में रिस्पेक्टिवली, या आप इसको डिस्क्लेम कर दीजिए। देन क्लॉज नंबर 42, वेदर एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फाइल स्टेटमेंट्स इन फॉर्म नंबर 61 और 61A और 61B, और उसके केस में जो आपको ये स्टेटमेंट्स फाइल करनी थी तो आपको 5 चीज़ें देनी है, ITR, EIN जो नंबर जनरेट होता है वहाँ से, टाइप ऑफ फॉर्म, ड्यू डेट क्या थी, डेट ऑफ फर्निशिंग क्या है, और एक सर्टिफिकेट, सेम सर्टिफिकेट है कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन उस जैसे कि क्लॉज 34B में था कि वेदर द फॉर्म कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डिटेल्स फर्निश्ड ट्रांजेक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, If not, please furnish list. Same certificate है जैसे 34B में था। तो इस केस में सेम प्रॉब्लम यही आ रही है कि जब तक एसएससी आपको नहीं बताएगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसने 61A फाइल किया नहीं किया, 61 किया या नहीं किया, तो ये क्लॉज पता करने के लिए आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना जरूरी है जिसमें वो आपको ये बताए कि मैंने ये फॉर्म फाइल किया है, तो फॉर्म फाइल किए होंगे तभी ये डिटेल आप दे पाएंगे आगे। एक एडिशनल बर्डन हमारे ऊपर रख दिया गया है, और जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि पिछले साल एक नोटिफिकेशन आया था कि नील ट्रांजैक्शन की कोई रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है, तो नील ट्रांजैक्शन अगर आपकी है तो कोई रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, जहां पर
कोई रिपोर्टिंग की जरूरत भी नहीं है, वहां पर ये क्लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होगा। देन क्लॉज नंबर 43 की हम बात करते हैं, 43, वेदर द असेसी और इट्स पेरेंट एंटिटी और ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी इज लायबल टू फर्निश द रिपोर्ट एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 286, इफ यस whether such report has been furnished, name of parent entity, name of alternate parent entity if applicable, date of furnishing of report. अब ये चार चीज़ें आपको सेक्शन 286 के अंदर में, अगर आपकी रिपोर्ट के लिए आप लायबल थे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही है whether SSC और its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report. अगर आप लायबल थे तो आपको ये डिटेल्स देखनी है। अब इसकी ये यूटिलिटी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो कि इन्होंने सिलेक्ट में देखेंगे तो यस नो नॉट ड्यू, नॉट ड्यू भी लिखा हुआ है। नॉट ड्यू का मतलब है कि अभी ड्यू नहीं हुई, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट का भी इसमें यही मानना था कि जो चीज़ अभी ड्यू नहीं हुई वो कैसे, 286 की जो टाइम लिमिट है वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की टाइम लिमिट्स के बाद में आती है जनरली। तो इसका पर्पज़ क्या था वो हमें भी समझ में नहीं आया कि सरकार क्यों लेना चाहती है 286 की रिपोर्टिंग, हमसे क्यों सर्टिफाई करा रही है। इसमें टाइम लिमिट क्या है, अगर हम देखें तो 286(2) के अंदर में टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिपोर्ट इज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर। रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर हमारा हुआ 31 मार्च 2019, अगर हम 31 मार्च 2019 के बाद विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग अकाउंटिंग ईयर, तो वो हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट से बाद चला जाता है। इसीलिए उन्होंने अपनी जो यूटिलिटी बनाई है नॉट ड्यू लिखा है उसमें। तो उन्होंने इंस्टीट्यूट ने हमारे सजेस्ट किया इसमें भी कि आप प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर की डिटेल ले लीजिए, बट ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने माना नहीं और अभी नॉट ड्यू का कॉलम उन्होंने इसमें डाल दिया है। तो नॉट ड्यू, अगर आपकी एसएससी की रिटर्न नॉट ड्यू है तो आप नॉट ड्यू कर दीजिएगा और उस केस में ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। 44 क्लॉज की बात करते हैं, क्लॉज नंबर 44, जहां पर ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी था। ये क्लॉज एक कंट्रोवर्शियल क्लॉज था, इसको भी उन्होंने अभी डेफर कर दिया है टिल 31 मार्च 2020 तक, क्योंकि गवर्नमेंट को ये बात पता है कि ये क्लॉज अभी एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अपने आप में देना एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन कार्व आउट करनी है वो अभी डिपार्टमेंट भी नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसको दो क्लॉसेस को जैसे मैंने आपको बताया डेफर कर दिया है टिल 31 मार्च 2020 तक, और उसके बाद जो भी इस क्लॉज की आगे बनेगी उसको उसके हिसाब से वो आगे किया जाएगा। देन क्लॉज नंबर 30A क्लॉज में हमारे पास ये तीन जो क्लॉजेज आए थे 30A, 30B और 30C, ये तीनों क्लॉजेज इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड थे और इन तीनों क्लॉजेज के अंदर हमसे डिटेल मांगी गई थी। जैसे मैंने बताया 30C तो अभी डेफर कर दिया उन्होंने 31 मार्च 2020 तक। 30A की हम बात करते हैं, 30A क्या कहता है, वेदर प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस एज रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92CE हैज बीन मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट के बारे में बता रहे हैं, अगर आप कहते हैं यस तो आपको उसके बाद आगे चलना है और ये आंसर्स, पांच आंसर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अंडर विच क्लॉज ऑफ सेक्शन 1 ऑफ 92CE प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड, अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट, वेदर द एक्सेस मनी अवेलेबल विद द एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू बी रिपेट्रिएटेड टू इंडिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ 92CE, और अगर यस या नो यस है तो आपको एक्सेस मनी आपने क्या रिपेट्रिएट कर दी है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। अब इसको समझते हैं हम आगे, इसके साथ पांचवा क्वेश्चन इसी में ही है कि इफ नो, अगर आपने रिपेट्रिएट टू इंडिया करी है, रिक्वायर्ड थे या नहीं थे, नहीं थे तो आपको ये बताना है कि इम्प्यूटेड इंटरेस्ट इनकम उस एक्सेस मनी पे कितनी है और वो आपने जो आपने रिपेट्रिएट नहीं करी है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। इसको इस तरीके से समझते हैं,
कि वेयर एनी प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मेड द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सेकेंडरी एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड सच प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ एंड द एडजस्टमेंट पर्टेन्स टू असेसमेंट ईयर ऑन और आफ्टर 1/4/2016 तो आपको अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट है तो उसको सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी आपको करनी है वेयर एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन टोटल इनकम और रिडक्शन इन लॉस एंड सच अमाउंट इज नॉट रिपेट्रिएटेड टू इंडिया then such balance will be treated as advance to associated enterprise and to be recovered along with interest. So, अगर आपने primary adjustment की और उसके बाद आपकी total income में या तो increase हुई या loss में reduction हुई तो वो amount आपको repatriate करना होता है इंडिया में अगर वो नहीं किया तो जो balance है वो आपका as a advance treat हो जाएगा to your associate enterprise and that has to be recovered along with the interest. और इस इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो एज पर रूल 10 सीबी होगी जो आपकी इनकम टैक्स रूल्स में है टाइम लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी इज 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अब ये भी एक इम्पॉसिबल सा क्लॉज था अगेन टाइम लिमिट फॉर रिपेट्रिएशन ऑफ एक्सेस मनी इज 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इट मीन्स कि आपकी जो ड्यू डेट है उसके 90 डेज तक आप रिपेट्रिएट कर सकते हैं अब ड्यू डेट निकलने तक यदि रिपेट्रिएट नहीं हुआ आपको रिपोर्टिंग करनी है तो आप उसमें अपने एक डिस्क्लेमर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट को लास्ट ईयर ही सजेस्ट किया था अपने लेटर्स में जो आप सब लोगों को पता है कि लास्ट ईयर दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर्स हमारे इंस्टीट्यूट ने गवर्नमेंट को लिखे थे जिसमें उन्होंने एक सजेशन ये भी दिया था कि इसको भी आप प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर डिटेल ले लीजिए आप प्रीवियस ईयर की डिटेल इसमें नहीं ले सकते क्योंकि तो अभी टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो रही है जिस चीज की टाइम लिमिट ही एक्सपायर नहीं हुई है अभी उसकी क्या रिपोर्टिंग बनेगी परंतु गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट की बात को नहीं माना और ये क्लॉज एज इट इज आज भी स्टैंड करता है 30B की बात करते हैं हम 30B में whether the assessee has incurred expenditure during the previous year by way of interest or of similar nature exceeding 1 crore rupees as referred to in subsection 1 of section 94B. अब इसमें अगर आपके assessee ने last year कोई पैसा as a interest or similar nature 1 crore से ऊपर expense किया है जो कि 94B में covered है तो आपको उस expenditure की detail देनी है आपको क्या क्या देना है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और सिमिलर नेचर जो आपने एक्सपेंडिचर किया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड बिफोर द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये आपको देना है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एज पर वन अबव विच इज इन एक्सेस ऑफ 30% ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अबव जो कि आपका 30% से ज्यादा था Details of interest expenditure brought forward और details of interest expenditure carried forward. तो ये आपको assessment year wise detail, ये 5 detail आपको देनी थी इस केस में जैसा हमें पता है कि assessment year 18-19 से एक clause आया था और अगर आपका debt issued by non-associated enterprise है but एक associated enterprise ने अगर आपको implicit और explicit guarantee भी दे रखी है या deposits हैं A corresponding or matching amount with the lender है तो वो भी आपके covered माने जाएंगे the same will be treated as covered not applicable to companies engaged in business banking and insurance business तो ये दो लोगों को इन्होंने इस clause से छूट दी है जहां पर specific exemption है to banking and insurance companies अब 94B section को अगर हम देखें तो amount of interest not allowed can be carried forward जितना interest आपको allowed नहीं हुआ वो आप carry forward कर सकते हैं परंतु वो कैरी फॉरवर्ड आपका 8 साल से ज्यादा नहीं होगा तो 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसके बाद वो आपका खत्म हो जाएगा तो 30B में जो कंसेप्ट था वो थिन कैपिटलाइजेशन का है अर्निंग बिफोर अगर इसको मैं एज एग्जांपल समझते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था 4 करोड़ रुपए का सपोज इंटरेस्ट आपके एसएससी ने पे किया 2 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट अलाउबल कितना होगा आपका 30% ऑफ 4 करोड़ इट मींस 1.2 करोड़ और बाकी आपका जो 0.8 करोड़ है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो ये एक उन्होंने लिमिट लगा दी कि आप 30% से ज्यादा इंटरेस्ट को क्लेम नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा
कि जब भी आप रिपोर्टिंग करें तो आपको 94B के प्रोविजंस को ध्यान में रखकर आपने एक रिपोर्टिंग करनी है। कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉट फॉरवर्ड का ध्यान रखना है, ब्रॉट फॉरवर्ड अगर पिछले साल से है तो वो आपके एडजस्टेड हो जाएंगे इसमें। 30C जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्लॉज अभी डेफर कर दिया गया है और इसको गार के प्रोविजंस हैं ये, जो कि गार के प्रोविजंस हमारे डेफर कर दिए गए हैं 31 मार्च 2020 तक। आपको कोई रिपोर्टिंग 30 मार्च तक नहीं करनी है, इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होगी इसकी। अब हम लोग क्लॉज बाय क्लॉज भी डिस्कशन कर लेते हैं जो हमारे क्लॉजेस रह गए हैं। क्लॉज नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपकी फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस जहां पर आपके पार्टनर्स के नाम आपसे पूछे गए हैं, सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज देना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज होगा वो आपको ड्यूरिंग द ईयर अगर आपके एक बार, दो बार, तीन बार हुए हैं तो कितनी भी बार हुए हों वो आपको सारे देने होंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला आपको देना है, आपको सारे चेंजेस इसमें देने होंगे। देन क्रॉस रेफरेंसेस की बात करता हूं मैं। क्रॉस रेफरेंस आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार इनकम टैक्स की रिटर्न्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो जो वहां से आपकी कोई क्रॉस रेफरेंस हो रही हो तो आप लोग प्लीज मैच कर लीजिएगा आपस में क्रॉस रेफरेंस में। जो आपकी रिटर्न्स में इंफॉर्मेशन है, जो आपकी टैक्स ऑडिट में इंफॉर्मेशन है, दोनों मैच होनी चाहिए। या किसी क्लॉज की रिपोर्टिंग अगर आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के दो क्लॉजेज में जा रही है तो वो दोनों क्लॉजेज की इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। अब कई बार आपकी जैसे B की हम बात करते हैं, GST की 43B में आपकी जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगी, क्लोजिंग स्टॉक होगी, उसमें GST इंक्लूजन की बात जब करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि GST के जो प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि आपकी जो लाइबिलिटी आती है वो रिमूवल ऑफ गुड्स पे आती है, उससे पहले लाइबिलिटी आपकी नहीं आती है। तो जितना गुड्स आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपकी GST की कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ये आप लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करते समय ध्यान रखिएगा। ICDS की अगर हम बात करें, ICDS की रिपोर्टिंग जो आपको करनी है, उस रिपोर्टिंग के अंदर आपको ICDS की रिपोर्टिंग के अंदर आपको सिर्फ इंक्रीज इन प्रॉफिट और डिक्रीज इन प्रॉफिट और नेट इफेक्ट देना है। जो भी आप इसमें देंगे, जो भी आप इफेक्ट यहां देंगे वो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न से टैली होना चाहिए, कहीं दोनों का मिसमैच नहीं हो। और जो डिस्क्लोजर की शीट बनेगी आपकी वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप सारा कुछ नहीं लिख पाएंगे। जो डिस्क्लोजर है जो आपको 6 ICDS में डिस्क्लोज करना है 8 में, वो आप अलग से एक शीट बना करके उसको अटैच कर सकते हैं, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप अटैच करेंगे उसके साथ में। देन 10,000 की जैसे मैंने बात करी, आप लोग 10,000 रुपये की लिमिट का प्लीज ध्यान रखिएगा कि SSC ने अगर 10,000 से ऊपर का कोई खर्चा किया हुआ है बुक्स में, या SSC ने कोई एसेट खरीदा हुआ है तो उस पर डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही नहीं, और अगर कोई एक्सपेंस किया हुआ है तो उसका 30% भी आपको डिसअलाउ करना होगा, क्योंकि बुक्स में जनरली खर्चे 10,000 से ऊपर के होते हैं। कुछ SSCs ने ऐसा भी किया कि 10,000 से ऊपर की पेमेंट को उन्होंने 2 दिन में दिखा दिया। अब यहाँ पर हमें अपनी एक प्रोफेशनल जजमेंट लगानी है, क्योंकि मैंने देखा कई बार कि क्या हुआ कि एक SSC ने एक मोबाइल फोन खरीदा फ्रॉम क्रोमा। अब क्रोमा से जब खरीदा तो उसने 12,000 का मोबाइल खरीदा, और मोबाइल खरीद करके उसको दो दिन में 6,000 रुपये करके डाल दिया। तो यहाँ पर आपको क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर ये देखना है कि 12,000 की पेमेंट क्रोमा वाला 2 दिन में नहीं लेता जनरली। तो अगर आपको कहीं ऐसे केसेस लगते हैं तो या तो आप क्लाइंट से उसकी कन्फर्मेशन ले लीजिए या आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस में अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की और ऑफिसर ने कल को देखा तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और SSC को भी पेनल्टी लगेगी। तो ये आप लोग यहाँ पर अपनी एक प्रोफेशनल जजमेंट जरूर लगाइएगा। जहाँ पर गाड़ी ठीक कराई गई है वहाँ पर 2 दिन में पेमेंट कर रहे हैं लोग पाक जनरली, क्योंकि या कहीं पर आपका कोई ऐसी पेमेंट है जिसको उन्होंने 2-3 दिन में तोड़ के दिखा दिया है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि क्या वो पेमेंट 2-3 दिन में हो सकती है, या वो सामने वाला 2-3 दिन में पेमेंट लेने के लिए तैयार हुआ या नहीं हुआ, या कहीं पर आपको कन्फर्मेशन लेनी है आप कन्फर्मेशन ले लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। MSME की बात करते हैं, सेक्शन 20 MSME की जहां आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्लॉज नंबर 22 में
एमएसएमई के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि क्लॉज सेक्शन 22 ऑफ एमएसएमई एक्ट ये कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है टू डिस्क्लोज अनपेड अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट इन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस एक्ट के अंदर एक रिक्वायरमेंट दी हुई है सेक्शन 22 में एमएसएमई एक्ट के अंदर कि अगर आपका कोई क्रेडिटर है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो उसकी आपने अगर पेमेंट विद इन 45 डेज नहीं की है तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेबल इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की तो आपको अब एमएसएमई आपको मिलेगी कहां से? तो एमएसएमई के लिए आपको एसएससी से ही बोलना पड़ेगा। एसएससी आपको डिटेल देगा एमएसएमई की पार्टीज की और उसको लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी 45 डेज में पेमेंट हुई है। अगर नहीं हुई है तो इंटरेस्ट का प्रोविजन है तो वो इंटरेस्ट आपको डिसअलाउ होगा और साथ ही साथ आपको रिपोर्टिंग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करनी होगी। देन क्लॉज नंबर 10 में मैंने आपसे डिस्कशन किया नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कि लिस्ट आई हुई है उसी लिस्ट में से आपको चूज करना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स 11 क्लॉज नंबर 11 की बात है, जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां प्रिस्क्राइब की गई हैं वहां आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल देनी है। तो यहां पर आपको मैंने आपको जैसे पहले बताया जीएसटी रिटर्न्स, टीडीएस रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो आपको इसमें सब मेंशन करनी होगी। देन क्लॉज नंबर 13 जहां मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड की बात आती है, तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड आपको चूज करना है, उसी में से चूज करना है और मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड के साथ आपको क्वालिफिकेशन भी देनी है दैट आवर मेथड इज एक्सक्लूसिव मेथड एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस और देयर इज नो इफेक्ट। तो ये आपको क्लॉज नंबर 13 में भी रिपोर्टिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी। 13 के बाद ICDS में कोई चेंज नहीं है। ICDS में अगर आपको लगता है कि आपकी एसएससी की कोई ICDS का इफेक्ट है तो आप यहाँ दे दीजिए और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग जो आपको डिस्क्लोजर्स करने हैं वो डिस्क्लोजर की शीट आप उसके साथ अटैच कर दीजिएगा। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो 145A में चेंज आया है उसके अकॉर्डिंगली आपको लेनी पड़ेगी। क्लॉज नंबर 15 गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जहां पर आपको अगर आपने कोई एसेट को कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो आपको उसकी डिटेल प्रॉपरली यहाँ पर सर्टिफाई करनी है। क्लॉज नंबर 16 अमाउंट्स नॉट क्रेडिटेड टू द पी एंड एल अकाउंट, जहाँ पर आपका कोई अकाउंट कोई अमाउंट अगर इनकम की नेचर का है और आपने अपने पी एंड एल में क्रेडिट नहीं किया है तो आपको उसकी डिटेल देनी है और इसके अंदर सब्सिडीज जो आपको मिली हो या आपकी कोई ऐसी नेचर हो तो आपको उसको सर्टिफाई करवाना है। क्लॉज नंबर 17 वेदर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड, जहां पर 50C की बात करता है वो, अब 43CA और 53C की बात करता है। ये भी एक ऐसा क्लॉज है जहां पर डबल टैक्सेशन हो रहा है, जहां पर दोनों लोगों को टैक्स लगेगा जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पे खरीदेगा और बेचेगा। ये डबल टैक्सेशन वाला पॉइंट है तो इसमें भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके एसएससी ने यदि कोई बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर की है फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड पे तो आपको उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी होगी। डेप्रिसिएशन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट ने हमें CSV फाइल से इंपोर्ट करने की एक फैसिलिटी दी हुई है। अगर आपके बहुत सारे एसेट्स हैं आप वहां से उसको इंपोर्ट करके यहां पर ले सकते हैं। एडिशंस डिडक्शंस की आपको डेट वाइज डिटेल देनी है जिसमें आपके इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाएंगे। देन 19 क्लॉज नंबर 19 अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शंस, जहां पर इन सेक्शंस के अंदर अगर आपकी कोई अमाउंट एडमिसिबल है उन्हीं की डिटेल देनी है आपको, जो अमाउंट आपका डिसअलाउड है उसकी डिटेल नहीं देनी है यहाँ पर, अमाउंट एडमिसिबल की डिटेल देनी है कितना अमाउंट एडमिसिबल है। और उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आपके नॉलेज में होने चाहिए। देन एनी सम पेबल टू एन एम्प्लॉई एज बोनस और कमीशन
फॉर सर्विसेज रेंडर्ड क्लॉज नंबर 20A, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. देन क्लॉज नंबर 20B, यहाँ पर हमें डिटेल देनी है, डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयज फॉर वेरियस फंड एज रेफर टू इन सेक्शन 36(15A). अब यहाँ पर जो हमारी ESI और PF की बात आती है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट आ चुके हैं कि अगर हमने विद इन द ड्यू डेट पेमेंट कर दिया है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक, तो हमें वो अलाउ होगा. ऑल्दो असेसिंग ऑफिसर्स अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनको डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस है कि आप अलाउ मत करिए, पर ये एक क्लॉज है जहां पर हमें अपनी रिपोर्टिंग करनी है और अगर हमने विद इन द ड्यू डेट पे कर दिया है तो यहाँ पर हमें एज इट इज डिटेल दे दी है. देन कैपिटल पर्सनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की डिटेल क्लॉज नंबर 21 क्लॉज ए में, जहाँ पर आपको सर्टिफाई करने है कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर किया हो असेसी ने, तो ये आपको सर्टिफाई करके और रिपोर्ट करना होगा. देन क्लॉज नंबर फाइन की अगर हम बात करें, कोई ऐसा क्लॉज जहां पर जीएसटी में आपकी कोई पेनल्टी लगी हो, आपने कोई टीडीएस में पेनल्टी दी हो, वो सब यहां पर रिपोर्ट करनी होगी. देन अमाउंट्स इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A, जब मैंने आपसे 40A की बात की थी, 40A में अगर आपने कोई टीडीएस नहीं काटा है तो ये क्लॉज आपका मैच करना चाहिए क्लॉज 34B की डिटेल से, और इसमें आपको डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, अगर आपने काटा ही नहीं है या आपने काट कर जमा नहीं कराया है, वो दोनों डिटेल्स आपको इस क्लॉज में देनी है क्लॉज नंबर 40A के अंडर. क्लॉज नंबर ये है आपका 20 सब क्लॉज B. आप लोग अपनी क्वेरीज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे साथ के साथ दे सकते हैं. अगर देन डिसअलाउंस और डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A3, 40A3 में आपको जो पेमेंट्स हमने मोर देन 10,000 अकाउंट पे चेक्स के थ्रू नहीं की हैं, उसकी डिटेल यहां पर आएगी. तो इसमें 40A3 और 40A3A का दोनों का आपको ध्यान रखना है. 40A3A में भी वो पेमेंट्स आपको देखनी है जो लास्ट ईयर से रिलेट करती हैं और इस साल कैश में पेमेंट हो गई है, तो वो भी आपको 40A3A में ध्यान रखनी है. 40A7, 40A9, कंटिजेंट लेटर नेचर की कोई लाइबिलिटी हो. देन 14A की बात करते हैं, H, क्लॉज H है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन एट inadmissible in terms of section 14A in respect of expenditure incurred in relation to income which does not form part of total income. तो 14A में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी कितनी inadmissible income है, उसको आपको खुद ही report करना है, और अगर आप report यहाँ पर कर देते हैं तो आपका वो ही मान लिया जाना चाहिए. 36(13) जहाँ पर आप interest की payment है, आपने bank interest pay नहीं किया है, आपको यहाँ पर disallow करना है. Then अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ MSME एक्ट, जो मैंने आपसे डिस्कशन किया अभी, MSME एक्ट के अंदर में अगर आपके किसी MSME पार्टी को आपने पेमेंट नहीं करी है तो उसका इंटरेस्ट का प्रोविजन आपको एज पर लॉ करना है, एज पर MSME एक्ट करना है, और उस इंटरेस्ट को आपको डिसअलाउ भी करना होगा, वो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा, वो यहाँ पर आपको डिसअलाउ करना होगा. देन 40A2B की पेमेंट्स, जिस पेमेंट्स आपने 40A2B की है, तो 40A2B की पेमेंट्स में भी आपको लिस्ट असेसी से लेनी है, 40A2B को उसको सर्टिफाई करना है और उसमें आपको डिटेल देनी है सिर्फ सिंपल कि 40A2B में किस किस आदमी को हमने कितनी पेमेंट्स की है. तो इसमें आप सेक्शन 2 के अंदर में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग जनरली शुरू हो जाते हैं कि हम सबकी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट कर देते हैं, तो जो वहाँ रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हो वही लोग 40A2B में हम ट्रांजेक्शन उन्हीं की रिपोर्ट करें. देन एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन सिंपल है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम. 43B की लाइबिलिटीज की मैंने आपसे बात की थी, जो प्री एग्जिस्ट करती थी पे कर दी आपने या नहीं पे करी, जो एग्जिस्ट नहीं करती थी आपने ड्यूरिंग द ईयर इनकर करी, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी. सेनवेट क्रेडिट की मैंने आपसे बात की क्लॉज नंबर 27A में,
जहां पर जीएसटी से रिलेटेड अगर कोई इनपुट क्रेडिट है आपका, आउटपुट क्रेडिट है, वो आपको डिटेल यहां देनी होगी क्योंकि सेनवेट अब जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है. देन इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिट और डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, ये आपको रिपोर्ट करना होगा. क्लॉज नंबर 28, द एसएससी हैज रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी बीइंग शेयर ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड विदाउट कंसीडरेशन. अगर आपके एसएससी को कोई शेयर्स मिला है किसी कंपनी का विदाउट कंसीडरेशन मिला है, तो ये आपको यहाँ पर 56(2)(7)A में रिकॉर्ड करना है. अगर आपकी किसी एसएससी को शेयर मिला जो कि प्रीमियम पे मिला है, तो वो प्रीमियम वाले शेयर्स आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने होंगे क्लॉज नंबर 28 के अंदर. देन 29 कहता है 56(2)(7)B में भी whether the SSC received any consideration for issue of shares which exceed the fair market value of shares. Then clause number 29A हम लोगों ने discussion किया, 56(2)(9) जहां पर लगता है, 29B हम लोगों ने discuss कर लिया, 56(2)(10) जहां पर लग रहा है, जहां पर हमें report करना है 56(2)(10) को, 30A, 30B, 30C हम लोगों ने discussion कर लिया है, then 31A जहां पर हम ओरिजिनल रिपोर्टिंग कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे 269SS की, जिसमें हमें लोन्स जो हमने मोर देन 20,000 लिए हैं वो हमें रिपोर्ट करने हैं. इसमें आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो भी आपका कंसीडर होगा फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम अमाउंट, वो आपका कंसीडर किया जाएगा. देन 21 Part B में सेम क्वेश्चन है जो हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं. 21 BA हमने डिस्कस किया, BB 269ST से रिलेटेड है. देन 21 C 269T जहां आपने रीपेमेंट की अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक की, तो वो भी आप हम लोग पुरानी रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं. 21 CD 32A में ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस की बात करता है, जहां पर हमारे अगर जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज हैं एज पर अवर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर्स, वो हमें यहाँ पर डिटेल देनी है. देन क्लॉज नंबर बी पुराना ही चलता आ रहा है, सी वेदर द एसएससी हैज इनकर्ड एनी स्पेकुलेशन लॉस, अगर आपका कोई हुआ है सेक्शन 73 में तो आप उसकी डिटेल दे दीजिए, 73A उसकी डिटेल दे दीजिए. देन सेक्शन क्लॉज नंबर 33 सेक्शन वाइज डिटेल्स ऑफ डिडक्शंस, अब यहाँ पर आपको जो डिटेल्स देनी है वो आपको बिजनेस से रिलेटेड देनी है. अगेन अगर आपका एसएससी इंडिविजुअल है और उसने अपनी बिजनेस की उसने कोई 80C की डिडक्शन है, 80D की डिडक्शन है, तो इन माय व्यू वो डिडक्शंस आपको यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करनी है, क्योंकि आप जो टैक्स ऑडिट फॉर्म बना रहे हैं वो रिलेटिंग टू बिजनेस एंटिटी बना रहे हैं, तो बिजनेस एंटिटी को कभी भी 80C की डिडक्शन या 80D की डिडक्शन नहीं मिलती है. जो 80C और D की डिडक्शन है या इस तरीके की डिडक्शन पर्सनल डिडक्शन है, वो टू इंडिविजुअल्स मिलती है. तो मेरे हिसाब से ये डिडक्शन यहाँ पर नहीं आनी चाहिए. क्लॉज नंबर 34 की हम बात कर चुके हैं, 35 पे आते हैं. 35 में स्टॉक की डिटेल, अब स्टॉक की डिटेल में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव डिटेल्स देनी है प्रिंसिपल आइटम्स की. तो प्रिंसिपल आइटम्स की जो डेफिनेशन हमारे इंस्टीट्यूट ने बताई वो है 10% ऑफ द टोटल आइटम्स की. तो जो आइटम आपकी टोटल आपकी जो क्वांटिटेटिव डिटेल है उसके 10% से ज़्यादा है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है. आइटम वाइज डिटेल जो अब क्योंकि GST के अंदर आने से सब लोग स्टॉक रजिस्टर जनरली बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिटेल देनी है. और अगर किसी का स्टॉक रजिस्टर नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, तो आपको उसको रिपोर्ट करना होगा कि उस एसएससी का स्टॉक रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं है और उसकी वैल्यूएशन आपको एज पर ICDS एज पर सेक्शन 145 करनी है. उसके बाद क्लॉज 36 जो हमने डिस्कशन किया, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डीम डिविडेंड भी जिसमें कवर्ड होगा. 36A की हमने डिस्कशन करी, डीम डिविडेंड की अलग से. 37, 38 और 39 ये तीन क्लॉजेज हैं जहां पर हमारी डिटेल्स मांगी गई है हमसे कि अगर किसी का कॉस्ट ऑडिट हुआ, किसी का एक्साइज ऑडिट हुआ है या किसी का फाइनेंस एक्ट 72A की अंडर में ऑडिट हुआ है टैक्सेबल सर्विसेज का इन रिलेशन टू वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, तो उस केस में हमें उन
रिपोर्ट्स को अटैच नहीं करना है, उन रिपोर्ट्स की जो जिस्ट है, जो उन रिपोर्ट्स की जो बेसिक क्वालिफिकेशन टाइप्स हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब इसमें अगर आपके पास स्पेस कम पड़े तो आप अपनी शीट अलग से एक अटैच कर सकते हैं, जो आप साथ में अटैच करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी और ICDA से रिलेटेड, उसी के नीचे एक शीट और अटैच कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस कम हो। क्योंकि ये ध्यान रखना है आपको, अब आप रिपोर्ट अटैच नहीं करेंगे, आपको उसमें सिर्फ डिसक्वालिफिकेशन या डिसएग्रीमेंट आपको देना है, जो कॉस्ट ऑडिटर के साथ या एक्साइज ऑडिटर के साथ हो, जहां पर आपकी डिमांड्स निकली हो कोई। क्लॉज नंबर 40, जहां पर हम टर्नओवर्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं, जो हम पहले से देते आ रहे हैं, जहां पर हमें रेशियो निकालनी है, सिंपल है। देन क्लॉज नंबर 41 की बात करते हैं हम, जहां पर डिमांड रेस्ड और रिफंड इश्यूड की बात करता है, डिमांड रेस्ड और रिफंड इश्यूड अदरवाइज देन बाय इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी भी एक्ट में आपकी कोई डिमांड रेज हुई हो SSC की या रिफंड मिला हो, तो वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। अब इसमें कई तरीके की डिमांड्स हो सकती है, GST की डिमांड आ सकती है आपके ऊपर, आपके ऊपर MCD की डिमांड आ सकती है SSC के ऊपर, आपके SSC के ऊपर कोई और एक्ट में डिमांड आ सकती है, वो सारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा आपकी ये डिमांड्स और रिफंड भी अगर कोई मिला हो तो ये आपको यहाँ रिपोर्ट करने होंगे। देन क्लॉज नंबर 42 हमने डिस्कशन कर लिया है, 43 भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, 286, 44 अगेन डेफर कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो हम लोग फिर से डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं कि जब आप एड्रेस दें क्लॉज नंबर 2 में, तो वो एड्रेस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या वो लोकेशन आपने डिपार्टमेंट को, MCA को, अगर आपकी कंपनी है या किसी और एक्ट में अगर आपने डिस्क्लोजर की हो तो वो डिस्क्लोजर आपका मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि GST में आपने 4 ब्रांचेस खोल दी हो और यहाँ पर आप जब 3CB भरें तो वहाँ ब्रांचेस लिखना भूल जाएं, तो वो ब्रांचेस आपको मैच होनी चाहिए। उसके अलावा क्लॉज नंबर 41 जहां पर आपको डिमांड रेज्ड और रिफंड इश्यूड की बात करता है, वो अगर आपकी कोई डिमांड एडजस्ट हो गई रिफंड के साथ, क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि डिमांड आपकी निकली और आपका रिफंड बनता था वो एडजस्ट हो गई, तो आपको दोनों की डिटेल देनी होगी। ऐसा नहीं हो कि आप सिंगल एक डिटेल नेट की दे दें, आपको दोनों डिटेल देनी होगी, डिमांड रेज्ड और रिफंड रिसीव्ड। देन LLP के केस में आपको ये ध्यान रखना है, LLP के केस में हमारी जो रिपोर्टिंग होगी वो फॉर्म नंबर 3CA में होगी, 3CB में नहीं होगी, 3CA में होगी, क्योंकि LLP के जो ऑडिट है वो अदर स्टेचुटरी एक्ट में होता है, तो LLP के केस में हमें 3CA के अंदर रिपोर्टिंग करनी होगी। आप किसी भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे रिलाई कर सकते हैं, आपकी जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पे आप जो रिलाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स और अपने केस से रिलेटेड फैक्ट्स आप अपनी रिपोर्ट में देंगे, और उसको देते हुए आप ये लिखेंगे कि मैंने ये फैक्ट्स पे रिलाई करते हुए ये जजमेंट लिया है। देन क्लॉज नंबर 44AD का आप ध्यान रखेंगे अगेन, क्योंकि ये जो कुछ क्लॉजेज हैं ये हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी 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 क्लॉज पे आपका SSC के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाए, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे, SSC ने कोई रिपोर्टिंग की, SSC ने आपको 3CD बना के दिया, उस क्लॉज पे आपकी डिसएग्रीमेंट हो रही है SSC के साथ, क्योंकि यहाँ पर जब हम साइनिंग करते हैं तो साइनिंग से इशू क्या आता है कि हम साइनिंग करते हैं तो पहले हम साइन करते हैं, उसके बाद SSC उसे अप्रूव या रिजेक्ट करता है, तो
अब किसी की इशू पे अगर हमारी और एसएससी की आपस में डिसएग्रीमेंट हो रही है तो हमें उस इशू को अपनी तरफ से रिपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्म 3CBA में हमारे पास क्लॉज नंबर 3 और 5 है जहां पर हम अपनी क्वालिफिकेशन दे सकते हैं और उसको दे करके हम अपनी बात भी कह सकते हैं और एसएससी से डिसएग्रीमेंट भी नहीं होगा। तो अपनी रिपोर्ट को देने के लिए हमें अपना क्लॉज नंबर 3 और 5 को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा एसएससी के साथ डिसएग्रीमेंट रहेगा और एसएससी उसको अप्रूव नहीं करेगा तो रिजेक्ट होगी वो बार बार। एक इम्पॉर्टेंट चीज और जो मेरे दिमाग में है कि क्लॉज नंबर 5 3CBA के अंदर हम क्या रिपोर्टिंग करेंगे और क्लॉज नंबर 3 में क्या रिपोर्टिंग करेंगे 3CBA के अंदर, क्योंकि 3CBA का जो क्लॉज नंबर 3 है वो कहता है आई वी रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कमेंट्स और डिस्क्रिपेंसीज इनकंसिस्टेंसीज इफ एनी, एंड क्लॉज नंबर 5 कहता है कि हम जो 3CBA के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो 3CBA के जो क्लॉज नंबर 3 में हमें रिपोर्टिंग करनी है वो हमें रिपोर्टिंग करनी है जहां पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो कुछ ऐसी गलतियां मिल रही हैं जो कि हमें रिपोर्ट करनी है, और अगर हमें 3CBA से रिलेटेड कोई रिपोर्टिंग करनी है तो क्लॉज नंबर 5 में करनी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्लॉज नंबर 5 में जो जनरल रिपोर्टिंग हमारी आती हैं वो 269SS और T से रिलेटेड आएंगी, जहां पर आप अकाउंट पे ही चेक्स क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल एसएससी के पास कोई ऑडिट ट्रेल बची हुई हो, क्योंकि एसएससी के पास इस चीज को बताने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि जो चेक उसने लिए या दिए वो अकाउंट पे थे या नहीं थे। तो आपको अपनी एक क्वालिफिकेशन इस पे देनी पड़ेगी। 40A3 से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड अगर आपकी एसएससी की है तो कोई, TDS से रिलेटेड या GST से रिलेटेड। तो ये क्वेरीज, ये जो क्वालिफिकेशंस हैं ये जनरल क्वालिफिकेशंस आपकी क्लॉज नंबर 5 में आएंगी 3CBA के, जो कि आपको देनी चाहिए। इसके अलावा ICDS के एनेक्शर की अगर हम बात करें तो ICDS का एनेक्शर जिसमें हमें ICDS की रिपोर्टिंग जो डिस्क्लोजर्स देने हैं तो वो एक अलग से एनेक्शर बनाइए आप और बना करके उसको अदर अटैचमेंट्स की जगह पे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको स्पेस दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर आपकी वो पूरा नहीं आएगा। इसके अलावा आप ICAI की रिकमेंडेशंस गाइड जो इस पिछले साल रिलीज हुई उसको ध्यान में रखते हुए अपना टैक्स ऑडिट कंप्लीट करें। शेयर्स के लिए हम लोग जैसे डिस्कशन कर चुके हैं, 30A की बात करते हैं हम, 30A में एक एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग का मैं और दे देता हूं आपको। जैसे कि मेडिसिन थी कोई और वो मेडिसिन आपने 1 करोड़ रुपए की किसी कंपनी ने बनाई और वो मेडिसिन 1 करोड़ की बनाने के बाद उसको सोल्ड किया 2 करोड़ रुपए में, तो सिंगापुर की कंपनी को सेल किया उसने और सिंगापुर की कंपनी ने उसको सेल किया आगे 10 करोड़ रुपए में। दोबारा से बता देता हूँ कि 1 करोड़ रुपए की किसी कंपनी ने कोई मेडिसिन बनाई, उसको सिंगापुर की कंपनी को सेल किया 2 रुपए में और उस सिंगापुर की कंपनी ने उस 2 रुपए की मेडिसिन को सेल किया 10 रुपए में, तो 8 रुपए जो है वो आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि आपने अगर आप डायरेक्ट दवाई सेल करते तो वो 2 रुपए की दवाई वो 10 रुपए और 2 रुपए का डिफरेंस 8 रुपए है, तो वो प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गई आपकी 8 रुपए की, और जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगी वो इंटरेस्ट होगा 8 रुपए के ऊपर। तो ये एडजस्टमेंट करने से पहले आप लोग प्लीज ये प्रोविजंस
30A के रिलेटेड में देख लीजिएगा। जैसा आप सब लोगों को एक इंफॉर्मेशन अभी आई गई होगी कि ई असेसमेंट भी स्टार्ट हो गई है, तो ई असेसमेंट में रिलेटेड में अब डिपार्टमेंट ने क्योंकि चेक लगा दिए होंगे, तो आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो प्लीज आप लोग अपनी रिटर्न से मैच कर लीजिएगा। जब भी आप कोई क्लॉसेस दोनों में डालेंगे जो दोनों जगह आ रहे हो वो आपस में मैच होने चाहिए। कोई क्वेरी आई है मैडम? ये एक क्वेरी हमारे पास CA निशांत नवीन @gmail.com से, सर काइंडली कंफर्म इन केस प्रोप्राइटर बिजनेस विच नेम रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन फॉर्म 3CV एंड 3CD, ईदर ट्रेड नेम रजिस्टर्ड इन GST सर्टिफिकेट और पर्सनल नेम मेंशन ऑन पैन। सो फ्रेंड, इस केस में जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा ही एक एसएससी है, मान लीजिए उसने अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट किया, उसने एक लाइसेंस के थ्रू बियर का ठेका लिया और उस बियर के ठेके पे उसने अपने नाम से बिजनेस स्टार्ट किया। अब क्योंकि बियर का ठेका उसको मिला पर्सनल नाम से, तो पर्सनल नाम से मिला तो हमें कंपनी का नाम लिखना है, तो कंपनी का नाम जो रजिस्टर्ड है अगर GST सर्टिफिकेट पे रजिस्टर्ड है तो GST सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही नाम आपको उस पे देना होगा। क्वेरीज है मैडम, तो वो नाम आपको जो ट्रेड नेम रजिस्टर्ड इन GST सर्टिफिकेट है वो नाम आपको देना है। अगर आपने पर्सनल नाम लिखा जो पैन में रजिस्टर्ड है तो आपको ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल्स आप दे रहे हैं वो आपने पर्सनल बुक्स को भी वेरीफाई करने के बाद दी है। सपोज मान लीजिए कि अगर उसकी पर्सनल कैपेसिटी में उसने कोई प्रॉपर्टी बेची खरीदी हुई है ड्यूरिंग द ईयर और आपने उसको 50C या 43CA में कवर नहीं किया, उसने लेस देन सर्कल रेट पे बेची हुई है और आपने उसको 3CD में नहीं डाला, तो आपको 10,000 की पेनल्टी फॉर रॉन्ग फाइलिंग ऑफ TDS टैक्स रिपोर्ट लगेगी। और उसके अलावा भी आपको ये मान लिया जाएगा कि आपने इंड्यूस किया उसको कि नॉन गलत रिटर्न फाइल करने के लिए। तो आप लोग जब भी इसमें फॉर्म 3CP और 3CD में लिखेंगे नाम ट्रेड नेम रजिस्टर्ड इन GST सर्टिफिकेट लिखेंगे, ना कि पर्सनल नेम मेंशन्ड ऑन पैन लिखेंगे। देन सेकंड क्वेरी है इसी मेंबर की, काइंडली कंफर्म ईच एंड एवरी पेज ऑफ 3CD रिक्वायर्ड इनिशियल फ्रॉम क्लाइंट। देखिए, जब आपको ओल्ड रिजीम याद होगा जहां पर हम साइन किया करते थे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे, तो हम हर पेज पे साइन किया करते थे, हर पेज पे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की स्टैंप लग के साइन होते थे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट एक हमें अपनी फाइल में एज ए वर्किंग पेपर रखना है। कल एसएससी ने अगर डिनाई कर दिया, क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल सिग्नेचर सब एसएससी के हमारे पास ही होते हैं, तो अगर एसएससी ने डिनाई कर दिया कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, तो आप लोगों के लिए बेटर यही है कि आप ईच एंड एवरी पेज पे 3CD के अपने क्लाइंट से इनिशियल लें। उसे पता भी चलेगा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्या है, उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को हर एक पेज पे उससे साइन कराइए और एज ए वर्किंग डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में रखिए, और एक डॉक्यूमेंट साइन करके उसको भी दीजिए जो अपनी फाइल में वो प्रॉपरली रखेगा। गाइडेंस नोट की जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो पेज नंबर 56 की बात कर रहा था, उसकी बात अगर मैं करूं तो हमारे इंस्टीट्यूट ने
पेज नंबर 56 पे अपने गाइडेंस नोट में लिखा है, इट इज सजेस्टेड दैट दीज रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ्स रिलेटिंग कैन बी प्रोवाइडेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर गिविंग ऑब्जर्वेशन, दैट इज अंडर क्लॉज 3 ऑफ फॉर्म 3CA और क्लॉज 5 ऑफ फॉर्म 3CB. क्योंकि आपके मन में यही क्यूरियोसिटी होगी वो क्लॉजेस हम डालेंगे कहाँ, तो फॉर्म नंबर 3CB के क्लॉज नंबर 5 में या फॉर्म 3CA के क्लॉज नंबर 3 में वो आप पैराग्राफ डालेंगे, जिसमें इंस्टीट्यूट ने बहुत ही इलस्ट्रेटिव तरीके से समझाया है कि असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म नंबर 3CD. देन इसमें उन्होंने ये बताया है कि असेसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पहला पैराग्राफ है जिसमें लिखा है असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन फॉर्म 3CD. देन सेकंड पैराग्राफ जहां पर उन्होंने टैक्स ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है, टैक्स ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां पर यह साफ साफ लिखा है कि दैट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अवर ऑडिट. वी हैव कंडक्टेड दिस ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड those standards required that we comply. ये सब जो कारों की रिपोर्ट जैसे हम बनाते हैं कंपनीज ऑडिट की रिपोर्ट उसी में है, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ऑडिट रिपोर्ट जो टैक्स ऑडिट फॉर्म है वो असेसी ने बनाया है और हमने उसको वेरीफाई किया है. एंड एक और क्वेरी श्री मनीष जी की आई है, सर काइंडली कंफर्म अबाउट द डिडक्शंस फॉर ए प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. सो जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्रोप्राइटरशिप फर्म का हम ऑडिट कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को कौन सी डिडक्शंस मिलेंगी. प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को जो डिडक्शंस हैं वो उन डिडक्शन से अलग होंगी जो इंडिविजुअल्स को डिडक्शन मिलेंगी. इंडिविजुअल को जो डिडक्शन है जैसे 80C की डिडक्शन है, 80D की डिडक्शन है, 80E की डिडक्शन है, ये सब डिडक्शंस हम आप प्रोप्राइटरशिप फर्म को नहीं दे रहे हैं, ये सब डिडक्शंस एज ए इंडिविजुअल उस आदमी को मिल रही है. अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि राम कुमार एंड कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो राम कुमार एंड कंपनी को ATC की डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी मिस्टर राम कुमार को. तो जब आप राम कुमार की रिटर्न भरेंगे तो वहां आप डिडक्शन ले लीजिए, पर राम कुमार एंड कंपनी को ATC की डिडक्शन कभी नहीं मिलेगी. तो क्योंकि बिजनेस के अंदर डिडक्शन ATC की नहीं मिल सकती. ATC की डिडक्शन तो जब आदमी LIC की रिसीट देगा आपको या स्कूल फीस की रिसीट देगा अपने बच्चों की तो आपको ATC की डिडक्शन मिलती है. तो ये जो डिडक्शन है वो आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म को नहीं मिलेगी. आप इनकम टैक्स की रिटर्न में क्लेम कीजिए, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा, बट यहाँ पर क्लॉज में आपको वो डिडक्शंस नहीं मेंशन करनी है क्योंकि ये डिडक्शंस आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है. और ट्रू एंड करेक्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ट्रू एंड करेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट ने, हम सबको पता ही है कि ट्रू एंड करेक्ट में हमें 100% वेरिफिकेशन करना है. 100% वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीज़ों को वेरीफाई करने बैठ जाएं. इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी फैक्ट्स 3CD में लिखे हुए हैं वो हमारे ट्रू एंड करेक्ट हैं. तो जो 3CD में असेसी ने आपको फैक्ट्स लिख करके दिए हैं आप उन्हीं को सर्टिफाई कर सकते हैं. आपको जो फैक्ट्स 3CD में नहीं मिले हैं उनको आप सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं. मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 3CD के, अगर हम 3CB को एक बार फिर से देखें तो 3CB क्या लिखता है. 3CB का क्लॉज नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो क्लॉज नंबर 5 कहता है, इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशंस गिवन टू अस द पर्टिकुलर्स गिवन फॉर्म 3CD आर ट्रू एंड करेक्ट. तो जो फॉर्म 3CD के अंदर पर्टिकुलर्स हैं वो आप ट्रू एंड करेक्ट सर्टिफाई कर रहे हैं, ना कि आपको पूरी बुक्स को निकाल करके फिर आप इसमें डालेंगे. हाँ, अगर आपको ऑडिट करते समय कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो 3CD में नहीं है तो आप क्लॉज नंबर 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं, क्लॉज नंबर 5 में वो रिपोर्ट नहीं होगा. क्लॉज नंबर 5 में सिर्फ वही रिपोर्ट होंगे फैक्ट्स जो 3CD में मेंशन किए SSC ने और जहां पर आपका डिसएग्रीमेंट आता है. अगर आपको कोई ऐसा फैक्ट मिलता है जो 3CD में जाना चाहिए था, SSC ने नहीं लिया, तो आप क्लॉज नंबर 3 में डालेंगे उसको. आपको
क्लॉज नंबर 3 दिया हुआ है, आप वहां पर डालेंगे। तो 3CD के जो भी आपके फैक्ट्स इसमें लिखे हुए हैं वो आप ट्रू एंड करेक्ट सर्टिफाई कर रहे हैं, ना कि ट्रू एंड फेयर। क्योंकि अगर आप देखें तो आप जो बुक्स को सर्टिफाई कर रहे हैं, 3CB में हम 2 सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। अब इस पर भी एक बहुत चर्चा चली कि हम UDIN नंबर 2 लें या 1 लें, ये एक चर्चा का विषय था शुरू में, बट अब मेरे को लगता है विराम लग गया इन चीजों पर। क्योंकि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 3CB में हम 2 सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, एक हम सर्टिफाई कर रहे हैं दैट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और दूसरा हम कर रहे हैं 3CD को। तो उसके लिए अब हमें एक ही UDIN नंबर लेना है और 2 नहीं लेने हैं। एक UDIN लेकर के वही आपको 3CB पे या 3CA पे लिखना है। 3CD के लिए अलग से कोई UDIN आपको नहीं लेना है, UDIN सिर्फ और सिर्फ 3CB के लिए लेना है। क्योंकि जो 3CB है उसी में आपने 3CD को मेंशन कर दिया कि 3CD में जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो हम ट्रू एंड करेक्ट सर्टिफाई कर रहे हैं। तो एक ही UDIN लेना है, 2 UDIN नहीं लेने हैं आपको। एक क्वेरी और आई है मिस्टर मनीष की। सर आई हैव अ क्लाइंट हु शोड हिज GST पेनल्टी एज एन एक्सपेंस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द सेम इज फाइल्ड अगेंस्ट डिपार्टमेंट एंड सेम इज अंडर स्क्रूटनी एंड देयर आर चांसेस ऑफ रिकवरी ऑफ GST पेनल्टी पेड, शुड आई हैव टू डिसअलाउ इट। मैं एक मिनट, सर आई हैव अ क्लाइंट who showed his GST penalty as an expense in his books of accounts, okay, and the same is filed against department. ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कृपया दोबारा भेजिए अपनी क्वेरी। एंड द सेम इज फाइल्ड अगेंस्ट डिपार्टमेंट, इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। एंड सेम इज अंडर स्क्रूटनी, आप कृपया मनीष जी अपनी क्वेरी दोबारा भेजें। देखिए पहली बात तो यह है, अगर पेनल्टी है, इन द नेचर ऑफ पेनल्टी है, तो वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ होगा, वो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। अब आगे आप जो लिख रहे हैं कि फाइल्ड अगेंस्ट डिपार्टमेंट एंड सेम इज अंडर स्क्रूटनी, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप कृपया इसको दोबारा भेजें। क्योंकि अगर आपकी GST पेनल्टी रिकवरेबल भी है तब भी आपको, क्योंकि पेनल्टी लगी है आपने, आपको खर्चा उसका अलाउड नहीं होगा, आपको उसे डिसअलाउ करना ही होगा। फिर भी आप दोबारा क्वेरी अपनी भेज दीजिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अपने फैक्ट्स प्लीज क्लियर कर दीजिए मुझे। ये मेरे पास मनीषी ने लिखा है, यस सर इट विल बी रिकवरेबल,
should I add to disallow that expense? ये मनीष जी recoverable कहाँ से है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी query नहीं समझ पा रहा हूँ recoverable किससे है GST penalty आपकी penalty आप किससे recover करना चाहते हैं क्योंकि आपने पहले लिखा सर आई हैव अ क्लाइंट हु शोड इज जीएसटी पेनल्टी एज एन एक्सपेंस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक है अगर आपने एक्सपेंस क्लेम किया है आपको पेनल्टी डिसअलाउ करनी ही होगी आपको रिपोर्ट करनी होगी पेनल्टी वाले क्लॉज में और सेम इज रिकवरेबल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी बात कि आप किससे रिकवर करना चाहते हैं इतने मिस्टर निशांत नवीन जी सी ए निशांत नवीन जी की क्वेरी है सर इन केस ऑफ साइन बैलेंस शीट इन डिफरेंट डेट फ्रॉम 3CD in different date then how many UDIN required मैं जहाँ तक इस क्वेरी को समझ पा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने बैलेंस शीट डिफरेंट डेट में साइन किया है और 3CD डिफरेंट डेट में साइन किया है तो अगर यही फैक्ट है तो भी उस केस में आपको UDIN बैलेंस शीट के लिए नहीं लेना है UDIN सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए लेना है तो आप जिस डेट में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं उस डेट में आपको UDIN लेना है निशांत जी की एक क्वेरी हो रहा है सर इन केस ऑफ इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 वेदर इन इट नीड टू बी रिपोर्टेड इन 3CD देखिए निशांत जी जो आपको आप क्लॉज नंबर 41 की बात कर रहे हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं 41 क्लॉज में आपको जितने भी आपके रिफंड आए या डिमांड रेज हुई चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो वो आपको रिपोर्ट करने हैं तो अगर आपका रिफंड 17-18 से रिलेट करता है और वो आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मिला है तो आपको वो रिपोर्ट करना होगा वो आपको एज ए रिफंड क्लेम रिफंड में रिपोर्ट करना होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको वही डिमांड और रिफंड रिपोर्ट करने हैं जो उसी साल से रिलेटेड हो आपको किसी भी साल से रिलेटेड कोई भी डिमांड हो या कोई भी रिफंड हो वो आपको रिपोर्ट करने हैं अगर आप क्लॉज नंबर 41 देखेंगे तो क्लॉज नंबर 41 के अंदर जो डिटेल आपसे मांगी जा रही है उसमें आपको ईयर भी स्पेसिफाई करना है उसमें किस ईयर से रिलेट करती है वो भी आपको देना है तो इसलिए आपकी क्वेरी का जवाब मेरे हिसाब से आपको मिल गया होगा कि 17-18 से रिलेट करता है रिफंड आपको तो वो 3CD में आपको रिपोर्ट करना होगा मिस्टर निशांत जी ने दोबारा लिखा है सर लिखते हैं ये सर आई हैव सबमिटेड 3CD विदाउट मेंशनिंग रिफंड डिटेल्स देन हाउ टू रिपोर्ट जी यस अब क्योंकि आपने 3CD फाइल कर दिया है तो 3CD को रिवाइज करने की ऑप्शन भी आपके पास है आप 3CD को रिवाइज कर सकते हैं आपको करना ये होगा कि आप 3CD रिवाइज करेंगे और उस रिपोर्ट को अपनी फाइल करेंगे रिवाइज करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आप रिवाइज 3CD रिपोर्ट बनाइए और उसको फाइल कर दीजिए मेरी सजेशन है कि 56-9 और 56-10 ये दो क्लॉजेस का आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि ये दो क्लॉजेस बहुत खतरनाक हैं इन दो क्लॉजेस में पता नहीं चलता है कभी भी कि बुक्स में कब रिपोर्टिंग है जाए
देन 44 एडी का भी आप लोगों को ध्यान रखना है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक या तो आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में एक डिटेल बन रही होगी जहाँ पर वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि आप किस साल में 44 एडी से बाहर आ गए हैं. और अगर आप एक बार बाहर आ गए तो आपको अगले 5 साल तक उस एसएससी का टैक्स ऑडिट कंपलसरीली करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स ऑडिट नहीं करना है, आपको उस एसएससी का 5 साल तक टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा चाहे उसकी टर्नओवर 20 लाख भी क्यों ना हो. ये आप ध्यान रखिएगा, 44 एडी से बाहर आते समय आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा. देन जीएसटी रिकंसिलेशन की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी रिकंसिलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. 2A डिपार्टमेंट का जो आ रहा है उससे हमारी बुक्स मैच नहीं हो रही है थोड़ी बहुत. तो आपको जीएसटी रिकंसिलेशन से रिलेटेड एक क्वालिफिकेशन, या क्वालिफिकेशन ना कहें उसको, इस सॉफ्ट लैंग्वेज में अपनी क्लॉज नंबर 5 में देना है, जिससे कि आप अपनी लाइबिलिटी से बच सकें. देखिए जीएसटी से आपकी बुक्स अगर टैली नहीं हुई, सपोज आपकी बुक्स में अगर क्रेडिट इनपुट आ रहा है 2 करोड़ रुपए का और जीएसटी की जो रिटर्न्स है वहां पर आ रहा है 3 करोड़ रुपए का, तो इट इज अ बिग डेविएशन. 1 करोड़ रुपए का डेविएशन मींस 50% का डेविएशन है. तो अगर उस डेविएशन की वजह से आपका जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो इफेक्ट हो रहा है, तो आपको एक क्वालिफिकेशन टाइप बना करके 3CB के पॉइंट नंबर 5 में जरूर देनी चाहिए कि आपका जीएसटी 2A से मैच नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डेविएशन है और आपका ट्रू एंड फेयर व्यू इफेक्ट हो रहा है इससे. तो ये आप जीएसटी से रिलेटेड भी एक क्वालिफिकेशन जरूर दीजिएगा. ये निशांत जी को अपनी क्वेरी का जवाब पूरा मिल गया है, थैंक्स आया है उनका. इसके अलावा भी किसी मेंबर की कोई क्वेरी हो, मिस्टर मनीष अगर अपनी क्वेरी दोबारा से भेज दें. मनीष जी की क्वेरी थी कि पेनल्टी है जीएसटी से रिलेटेड, तो पेनल्टी जैसे मैंने उनको बताया कि पेनल्टी आपको डिसअलाउ तो करनी पड़ेगी अगर वो पेनल्टी की नेचर में है, तो वो आपको नेचर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो नेचर पेनल्टी का है या नहीं है. अगर ऑर्डर में पेनल्टी लिखी है देन यू हैव टू डिसअलाउ इट एज अ पेनल्टी, और चाहे वो रिकवरेबल है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर. रिकवरेबल है, पेनल्टी है, आप रिकवर किससे करेंगे? आप या तो सामने वाली पार्टी से रिकवर करेंगे जिसके वजह से आपको पेनल्टी लगी है, तो वो आपका उस क्लॉज से आपको नहीं बचा सकती है फिर भी. आपको पेनल्टी तो रिपोर्ट फिर भी करनी होगी. मेरा मेंबर्स को अगेन ये सजेशन है कि आप लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय क्वालिफिकेशन, अगर आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन जरूरी है तो जरूर दें, उसको
अवॉइड ना करें, क्योंकि हम क्वालिफिकेशन देने के साथ साथ हम अपनी ड्यूटी तभी पूरी कर पाएंगे। हमें क्वालिफिकेशंस जरूर देनी चाहिए जहां पर हमें लगता है कि क्लाइंट ने अगर कहीं पर कोई डिफॉल्ट किया है या कोई ऐसी बात है जो हम डिपार्टमेंट की नॉलेज में लाना चाहते हैं। गार के लिए क्योंकि वो क्लॉज अभी डेफर हो गया है, 2020 तक आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है, परंतु 1 अप्रैल 2020 को जो टैक्स ऑडिट फॉर्म आएगा उससे जब जो भी टैक्स ऑडिट होगा उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 चल रहा है उसमें आपकी गार की जो भी गार से रिलेटेड आपकी आपकी रिपोर्टिंग होगी वो आपकी 1 अप्रैल 2020 को करनी होगी। तो आप लोग गार के प्रोविजंस एक बार ध्यान से देख लीजिए। गार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपके एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होती है और वो आप उसका अभी से एक मेजर्स लेके उसको ठीक करा सकते हैं। तो ये गार से रिलेटेड प्रोविजन ऑल्दो डेफर हो गया है 2020 तक, आपको रिपोर्ट नहीं करना है, परंतु जो 19-20 में जो भी आपकी रिपोर्टिंग होगी वो आप 1 अप्रैल 2020 को करेंगे। तो इसलिए अभी से आप सजेस्टिव मेजर्स लेकर के आप उसको ठीक करा सकते हैं। मिस्टर मनीष की भी रिप्लाई आ गया है, ओके सर गॉट इट थैंक्स। तो उनको भी अपनी क्वेरी का रिप्लाई मिल गया है आई थिंक। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग क्वेरीज भेजी, और इसके अलावा भी अभी किसी की क्वेरी हो मेंबर की तो हम लोग उसको रिप्लाई कर सकते हैं। I am giving a thanks to C.R. Chawla ji for organizing this webinar, interactive webinar, जहाँ पर members की queries भी आई और हम लोगों ने information आपस में share की। Thank you so much Chawla ji. Thank you C.S. Sachin Jain ji for a wonderful deliberation on the subject of tax audit and queries and challenges faced by our member. So members, I am thankful to all of you for attending this webinar, and I request all of you, whenever you have any problem, you can put your query on our WhatsApp group. Our respected Jain Saab will try to resolve all of your queries. Even you can call him, his mobile number is already there in the group. So thank you very much. Thank you. Thank you.